सो हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू द चैनल एवरीवन, दिस इज स्वैग डेक्सटर फ्रॉम द स्वैग स्टार गेमिंग एंड आप सभी का स्वागत है पबजी मोबाइल डार्क हॉर्स कप के मतलब क्या बोल रहे क्वालिफायर्स में। एंड आज होने वाला है डे 6 फाइनल डे ऑफ क्वालिफायर्स है, ग्रुप ए वर्सेस सी होने वाला है। टीम लिस्ट ऑलरेडी मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। पहली टीम आती है यहाँ पर एनटीटी, फिर आती है टीम आईएनडी, फिर ज्वाइन करने वाली है सोल, उसके बाद रिवेंज स्पोर्ट्स, उसके बाद सिनर्जी, फिर आती है मेगा स्टार्स, फिर आती है गॉड्स रेन, फिर आती है एल क्राफ्ट स्पोर्ट्स एंड फिर आएगी हमारी हैशटैग्स स्पोर्ट्स, फिर आती है लेक्सम्स, फिर आती है टीम जीनोसाइड, फिर आईएनएस, फिर पावर हाउस, फिर टीम आईएम, फिर आएगी एलिमेंट स्पोर्ट्स, फिर आएगी सेल्स, फिर आएगी मेहम, फिर आएगी आरआईपी स्क्वाड, देन पार्टिकल 7 एंड यूएमई की स्क्वाड से आएंगे, रिएक्शन की स्क्वाड, आरएक्शन की स्क्वाड आने वाली है। सो एक से बढ़कर एक टीम्स ज्वाइन करने वाले। डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी टीम लिस्ट दे दी गई है एंड मैं दो जगह पर लाइव कर रहा हूँ, दैट इज वॉर जोन एंड स्वैगस्टार गेमिंग, दोनों की दोनों चैनल पर एंड स्ट्रीम यहाँ पर जो चल रही है। एंड पहला मैच होने वाला है वो होने वाला है मीरामार का। एंड आई होप आप सभी को स्ट्रीम की क्वालिटी एकदम बराबर ठीक लग रही हो। अगर गाइस कुछ भी इशूज आ रहे हैं, दिक्कत आ रही है, प्लीज़ मेरे को अभी बोल देना तो मैं चेकआउट जल्दी से जल्दी कर सकूँ। एंड अगर सब कुछ ठीक आ रहा है तो प्लीज़ एक बार सब लोग लाइव चैट में लिख देना एवरीथिंग इज ऑन, मतलब ओके चल रहा है, गुड या फिर ऑसम या फिर एक्सीलेंट, कुछ भी लिख देना। पहला मैच होने वाला है मीरामार का स्क्वाड का एंड यहाँ पर आई थिंक सो 947 पे रूम चालू हो जाना चाहिए था, आई थिंक यहाँ पर शुरू किया जाएगा। आई थिंक सो सोल क्या पता बिजी हो चुकी है कि नहीं, पता नहीं, कुछ आइडिया नहीं है मुझे। बाकी यहाँ पर जो है टीम्स एक से बढ़कर एक आ चुकी है। 70 बंदे देख रहे हो स्वैगस्टार गेमिंग पे, आप सभी का स्वागत है। एंड जितने बंदे ज्वाइन कर रहे हो प्लीज़ एक बार अपना नाम स्पैम, अपनी फेवरेट टीम का नाम स्पैम कर देना ताकि मैं आपकी नेम को ऑन स्ट्रीम बोल पाऊँ। तो डार्क किंग ज्वाइनिंग, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। हाई कंचन जुआ, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। देविल बॉय, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। आयुष धकाल ऑफिशियल, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। वाइल्ड स्वैग वाईटी हमारे मॉड साहब, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। फिर आती है सिंपल स्टेप, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। विशाल रॉय, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। एंड मल्हार गेमिंग, सोल है क्या? जी हाँ, सोल का रजिस्ट्रेशन तो था बट अब सोल आ रही कि नहीं आ रही मुझे कुछ आइडिया नहीं है, बिकॉज मॉडल भाई की स्ट्रीम का टाइम शुरू हो चुका है एंड आई थिंक ही विल बी कमिंग लाइव एट एनी मोमेंट, सो नो आइडिया क्या होने वाला है। फिलहाल के लिए तो टीम आईएनडी ने ज्वाइन किया है, फिर रिवेंज की स्क्वाड यहाँ पर आ चुकी है, सिनर्जी की स्क्वाड यहाँ पर आ चुकी है, एलक्राफ्ट की स्क्वाड यहाँ पर आ चुकी है, एलएस किंग दैट इज लेक्सटर्म की स्क्वाड यहाँ पर आ चुकी है, मैक्स की स्क्वाड। ओके सो ये कुछ कॉम्बिनेशन स्क्वाड चल रही है यहाँ पर, तो उसका तो मुझे भी कुछ आइडिया नहीं लग रहा है ये कॉम्बिनेशन स्क्वाड क्या है, बट मैं एक बार ज़रूर से चेक कर लेता हूँ। टीम जीनोसाइड आई थिंक सो ऐसा कुछ नाम है इनका, यस टीम जीनोसाइड की स्क्वाड से यहाँ पर आ चुके हैं। फिर आती है आईएनएस की टीम से, यहाँ पर है पाब्लो ओवर ऑरेंज रॉकेट डी सिंह ने इनको ज्वाइन किया आईएनएस की स्क्वाड में। फिलहाल के लिए आईएनएस के स्क्वाड है सलादीन, पाब्लो एंड डी सिंह। फिर आती है पीएच की टीम, दैट इज पावर हाउस अपनी, और यहाँ पर हमारे आइकॉनिक सर विद बॉम्बर जीब्रा एंड हमारे कालू सर, दैट इज पीएच के डार्क। फिर आती है आईएम की टीम, जहाँ पर है ज़ेरफ, ओयो रूम, माइटी एंड स्लेड। सेल्स की टीम से यहाँ पर रॉक्स, आतंकी, एम जे एंड एश गेमर। एलिमेंट की टीम से यहाँ पर जेसन, अल्ट्रॉन, आईडी प्रिंस एंड खलनायक। फिर आती है एम वाई एम की स्क्वाड, यहाँ पर इमॉर्टल क्लॉक, गायरो गॉड एंड बिलीव। आरआईपी की स्क्वाड से यहाँ पर है बादशाह, करण, बीन एंड स्पाइक। फिर आती है पी सेवन की स्क्वाड, जहाँ पर है शाउटी जूनियर एंड एटलास। तो फिलहाल के लिए इतने बंदों ने ज्वाइन कर लिया एंड देखते कौन कौन से बंदे आते हैं यहाँ पर। जो टीम आईएनडी से क्रेटोस, ट्रांसनेक्स एंड स्लेयर आ चुका, रिवेंज की टीम से सोनिक फॉक्स, फाइनल बॉस, परफेक्ट एंड रेड। सो बस इन्होंने ज्वाइन कर लिया अभी तक, और कितने बंदे आएंगे आई हैव नो आइडिया। सिनर्जी की टीम से यहाँ पर श्राइडर, ऑस्टिनेक्स, टेड एंड सिर्वी। एंड गॉड्स रेन की टीम यहाँ पर आ चुकी है, राहुल एंड मनु दोनों दिख रहे हैं। सो वेट करते हैं, सोलह स्ट्राइकर शॉप के साथ सीओ डीएम खेलेंगे, यो बॉय मचाएंगे। तो जितने भी बंदे देख रहे हो गाइस, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग एंड आई होप सभी को मजा आएगा। एंड अगर मजा ना आए तो प्लीज़ जरूर एक बार लिख देना कि भाई मजा नहीं आ रहा, अगली बार से कास्टिंग मत कर देना। आई विल श्योरली टेक इट एज अ पॉजिटिव स्टेटमेंट बिकॉज वी आर ऑल हियर फ्रॉम इम्प्रूवमेंट। एंड तो बस खतरनाक तरीके से बोलते रहना। एंड वॉर जोन की जनता का भी बहुत ही बड़ा स्वागत है, मैं वॉर जोन की चैट पर आ सका हूँ। फिलहाल के लिए यहाँ पर जो है फैंटम, आई एम डैड, हेड प्लेस, ओमकार साहू, विधेन जैन, दीपांशु गौतम, सौरव गुचायत, मिस्टर दिलावर हुसैन, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। एंड यहाँ पर जो है मैच की शुरुआत हो चुकी है एंड बस अब सीधा का सीधा मैच के अंदर प्रसारण करेंगे। पहला मैच होने वाला है मीरामार का एंड लेट्स सी मीरामार में क्या होने वाला है। 113 बंदे ज्वाइन कर रही है लाइव चैट में, देख रहे हो, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग एवरी वन। सो लेट्स स्टार्ट द गेम। एंड बहुत समय बात कर रहे,
कुछ दिक्कत होगी कि नहीं होगी मुझे कुछ आइडिया नहीं है, बिकॉज मेरा कॉलेज का रिजल्ट आया था और उसमें बैकलॉग आ गई तो थोड़े डिप्रेशन हो गए थे हम, बट यस वापस जा चुके। मैच स्टार्ट्स इन 40 सेकेंड एंड यहाँ पर जो एम्यूलेटर आने के साथ ही लैग मारता है यार, इससे मेरी हार्ट बीट बढ़ जाती है, बिकॉज आज पूरे दिन में जितने भी स्क्रीम्स देखे मैंने किया ये गेम लैग मारी है भाई, कास्टर्स को क्या गाली पड़ी है गाइज। अगर इन बिटवीन द गेम अगर एम्यूलेटर बंद हो जाए तो गाइज वो मेरी गलती नहीं है, वो तकनीकी खराबी गेम की है, तो प्लीज़ मुझे मत गाली देना, आप उसके बदले हैशटैग कोरोना स्पैम कर देना तो मैं अपने दिल पे तो नहीं लूँगा, बिकॉज ये तो यार मेरी गलती तो हो नहीं सकती उसके अंदर। तो चलो शुरू करेंगे पहला मैच एंड प्लेन फ्लाइट पाथ अभी हमको दिखने वाला है बस थोड़ी देर में, सो लेट्स गेट रेडी टू फाइट। एंड गाइज यहाँ पर जो है देखते हैं कि प्लेन उड़ चुका है स्ट्रेट फ्रॉम द मिलास डेल सुर से लेकर जाता हुआ इम्पाला तक प्लेन उड़ा है हमारे आई एम माइटी ने, लेड बाय आयन स्कॉट पीएच डार्क गॉड्स मनु एल एस बोब डोप ने यहाँ पर जो है प्लेन उड़ाया है, यहाँ पर फ्लाइट पाथ की जैसे मैंने बोला था कि मिनास डेल सुर से लेकर इम्पाला की ओर जाता हुआ, सो यहाँ पर जो है जोन शिफ्टिंग यहाँ पर एल पोज हो या फिर क्रूज डेल वाले की तरफ जा सकता है, बट जोन का एंड गेम का कुछ भरोसा नहीं है, लॉस योनिस पे जाके भी रुक चुका है, यहाँ पर रिवेंज की स्क्वाड को स्पेक्टेट कर रहे हैं, तो रिवेंज की स्क्वाड से यहाँ पर है रेड सोनिक फॉक्स फाइनल बॉस एंड परफेक्ट, तो यहाँ पर ये लोग जात में जा रहे हैं, आई थिंक सो यहाँ पर सिनर्जी की टीम इनको हौसला बढ़ाने के लिए जात में सारी की सारी टीमें उतरी, ऐसा कुछ लग रहा है मेरे को सीन ऐसा कुछ लग रहा है, बट मैं चेक करता हूँ। यस यहाँ पर सिनर्जी के ऑसनेक्स अकेले ही आई थिंक सो यहाँ पर उतरे, नहीं सिनर्जी की बुरी टीम यहाँ पर जो उतरी है एंड आई थिंक सो यहाँ पर मेनास जल सुर के ऊपर ही उतरेंगे। यस यहाँ पर इन्होंने इसी जगह को चुना है, बाकी की मैं पब्लिक की बातें करूँ तो कहाँ पर निकल गई कुछ आइडिया नहीं लगा, बट फ्लाइट पाथ की एज ऑफ नाउ मैं बातें करूँ तो कौन सी टीम कहाँ पर जा रही है, तो फिलहाल के लिए आ रही की स्क्वाड आई थिंक सो यहाँ पर मॉन्टेन्यू की तरफ बढ़ रही है या तो फिर लैंड्रिला के पास जा सकती है, वाले डेल मार के पास भी बंदे काफ़ी जा रहे हैं, सोल स्पाइक यहाँ पर इनको ज्वाइन किए, फिर यहाँ पर पीसीएम की टीम यहाँ पर लॉस लियोनेस में, एमबीएम की टीम भी लॉस लियोनेस में, टीम आईएनडी सो आई थिंक यहाँ पर प्योर तो पराइसो की ओर नहीं जाएगी, लॉस लियोनेस से थोड़े बाहर के एरिया में रुकेगी, आईएम की टीम यहाँ पर इम्पाला में एंड पीएच की टीम यहाँ पर जो है आई थिंक सो जंकयार्ड या तो ग्रेवयार्ड दो में से एक चीज़ ऑक्यूपाई करना चाहेगी। पिकार्डो में फिलहाल के लिए उतर चुके हैं बंदे, दैट इज एल लेगस्ट्रम के बंदे एंड यहाँ पर जो है मैं देखूँ तो सेल्स अल्ट्रॉन यहाँ पर जो है पहुंच चुके हैं, इनके बाजू में ऑलरेडी एक प्लेयर बचा है, इनके पास आई थिंक यहाँ पर वेक्टर मिल चुके हैं, सामने जैसे ही बंदे इनको मिलते हैं आई थिंक सो यहाँ पर स्पॉट करके खत्म कर देना चाहिए, अगर इनको आइडिया हुआ होगा कि उनके बाजू में कोई बंदा उतरा है तो ही विल डेफिनेटली मतलब यहाँ पर ट्राई करेंगे पहले कि अगर बंदे को किल विल कर सकते तो कर ले, बट यहाँ पर जो आई थिंक गाड़ी मिल चुकी है एंड बंदे यहाँ से आई थिंक सो निकल चुके हैं, सो सेल्स की टीम यहाँ पर जो है आराम से एलिमेंट की टीम जो यहाँ पर आराम से लूटेगी एंड बाकी के बंदे अपने अपनी जगह पर पहुँचते हैं। एंड वापस से मैं एक और बार चेकआउट करूँ तो जोन की बात करूँ तो जोन भाई पहला जो बना है एल हजार की तरफ शिफ्ट हो चुका है, तो देखते हैं अब क्या होता है यहाँ पर, हम लोग वापस से एक बार जाए पी सेवन की टीम के पास, तो पी सेवन की यहाँ पर जो टीममेट्स है काफ़ी करीब थे एक एनिमी टीम के और एंड यहाँ पर जो है लॉस लियोनीस में बहुत अच्छी खासी लूट मिल जाएगी, अगर दो स्क्वाड या तीन स्क्वाड मैक्सिमम चार स्क्वाड के लिए सफिशियंट लूट है। एम वाई एम के क्लॉक जो है यहाँ पर जो है ब्रोकन जो कंस्ट्रक्टिंग अपार्टमेंट्स के बाजू वाला एक अपार्टमेंट है उसके अंदर फिलहाल के लिए लूट कर रहे हैं एंड उनके सामने ऑलरेडी जैसे कि मैंने बोला एम वाई एम की स्क्वाड मौजूद है, ओके एम वाई एम की स्क्वाड से वो खुद एंड यहाँ पर जो है पी सेवन की स्क्वाड उनके सामने ऑलरेडी मौजूद है, जहाँ पर एट लास्ट भाई जो है पीछे की तरफ एंड यहाँ पर इस अपार्टमेंट के अंदर है, सो देखते हैं क्या होने वाला है। एम वाई एम के बिलीव यहाँ पर नीचे की तरफ है, एट लास्ट भाई आई थिंक सो यहाँ पर चले जाए तो मजा आ जाएगा, एक आध फाइट अभी की अभी देख सकती है, बिकॉज एम वाई एम के बिलीव यहाँ पर आर आई पी स्क्वाड के बादशाह ने यहाँ पर फाइट लेना शुरू कर दिया है एंड आर आई पी की स्क्वाड ने आई थिंक सो यहाँ पर जो है मैक्स कैपलिस एक्सप्लिसिट को डाउन कर दिया है, फिनिश ऑफ भी कर दिया है, सो यहाँ पर एक नुकसान दे दिया सीधा का सीधा एंड आर आई पी की स्क्वाड यहाँ पर जो है निकलती हुई है। यहाँ पर मैं टी जी ई के डी डी को देखूँ तो यहाँ पर क्या करने वाले है? टीम जीनोसाइड के डीडी भाई यहाँ पर रुके हुए सामने की तरफ, इनके सोल स्पाइक दिख रहे हैं एंड यहाँ पर जो है आरएबी के स्क्वाड यहाँ पर सामने की ओर से जाते हुए बिल्कुल की बिल्कुल एंड यहाँ पर एक्सक्यूएफ पेन को मैं देखूँ तो यहाँ पर मिथ डार्क लॉर्ड जो रोम क्रिएटर थे पहले जाते हुए खुद को अपने आप को स्विमिंग पूल में डुबाते हुए एंड वापस स्पाइक को आई थिंक यहाँ पर एक्सक्यूएफ के पेन ने स्पॉट कर दिया एंड स्पाइक जो है एक यार्ड बोलते हैं, यार्ड तो नहीं बोल सकते इस बिल्डिंग को, जो भी आप बोलते हो उस बिल्डिंग के अंदर पाए गए थे एंड यहाँ पर जो स्पाइक एंड यहाँ पर बहुत ही तगड़ा नॉक बाय एक्सक्यूएफ पेन M416 आयरन साइड के साथ में यहाँ पर जो है काफी धमाकेदार झटका देता हुआ
थोड़ा आता हो यार यहाँ पर बहुत मतलब थोड़ा सा मिसफायर हो जाता और बंदा निकल जाता, बट यहाँ पर एम लॉक एकदम परफेक्टली रहा है। यहाँ पर जो है सोल स्पाइक को आई थिंक सो यहाँ पर फ्रेंडली फाइट में फिनिश ऑफ करना चाहेंगे बिकॉज बहुत ही गंदे मरे, बट यहाँ पर डायरेक्ट फिनिश ऑफ कर दिया एक्सक्यूएफ पेन ने। क्या ही मारा है भाई, क्या ही मारा है। एंड वापिस से मैं जाऊँ सेल्ट्स की टीम के पास, सेल्ट्स की टीम से यहाँ पर जो एश गेमर रॉक्स आतंकी एंड एम जे फिलहाल के लिए लूट कर रहे हैं एक सिटी में, एंड वो सिटी का नाम है चुमासेरा। एंड चुमासेरा में एलक्राफ्ट की टीम ऑलरेडी वहाँ पर पहुँच चुकी है। सो देखते हैं यहाँ पर क्या एलक्राफ्ट एंड सेल्ट्स की टीम की आपस में भसड़ होती है कि नहीं होती। फिलहाल के लिए जो सेल्ट्स की टीम है यहाँ पर काफ़ी क्या बोलते हैं एक अलग ऑपोजिट डायरेक्शन में, एलक्राफ्ट के आधे बंदे दो बंदे ऊपर की ओर है। सो यहाँ पर उनको एक एडवांटेज वो मिल सकता है कि ऊपर से उनको व्यू क्लियर करा सकते हैं। यहाँ पर एक्जॉटिक को अगर मैं देखूँ तो एक्जॉटिक यहाँ पर जो स्काउटिंग करके दे सकते हैं पूरा का पूरा कि कौन से बंदे अगर बाई चांस दिखते हैं तो कहाँ पर। आई थिंक सो यहाँ पर थोड़ा सा की ओर चला जाए तो सेल्ट्स की टीम यहाँ पर ईजिली स्पॉट हो जाएगी अगर एलक्राफ्ट के एक्जॉटिक भाई यहाँ पर लूट को थोड़ा सा साइड में कर देंगे और स्काउट कर देंगे तो। बट लेट्स सी यहाँ पर जो है सेल्ट्स गेमर को आई थिंक यहाँ पर गाड़ी मिल चुकी है एंड मेराटो लेकर मिरिंडा पीने निकल चुके हैं सेल्ट्स के आतंकी एंड एश गेमर। फिलहाल के लिए मैं रॉक्स एंड एमजे को स्पेक्टेट करूँ तो यहाँ पर ऑलरेडी बगी लेकर यहाँ पर ये लोग आ चुके हैं एक अलग ही जगह पर। वापस से मैं जाऊँगा टीजीई के हमारे क्रिटिक 07 पर जहाँ पर मैक्स के एक्सप्लिसिट का ऑलरेडी इनको लॉस हो चुका है। यहाँ पर जो टीजीई के क्रिटिक 07 यहाँ पर अकेले है एंड इनकी टीम आई थिंक सो यहाँ पर काफ़ी दूर है इनसे। एंड सिनर्जी की टीम बिल्कुल इनके बाजू में स्वागत करने के लिए रुकी हुई है। सिनर्जी की टीम को आई थिंक यहाँ पर अगर स्पॉट कर लेता है तो तीन बंदे आराम से इस बंदे का काम तमाम कर सकता है। बट जैसा कि मैंने देखा एक्सक्यूएफ पेन ने यहाँ पर M416 जो आयरन साइड की ओर चलाई थी, अगर वैसा कुछ होता तो मज़ा आ जाता। तो देखते हैं भाई ओपी कमेंट्री, थैंक यू गाइस। अगर मैं फिलहाल के लिए लाइव चैट नहीं देख रहा हूँ सो आप ऐसा मत समझना कि मैं आपको रिप्लाई नहीं दे रहा हूँ। फिलहाल के लिए मैच चल रही है तब मैं लाइव चैट नहीं देख रहा हूँ सो उसी के लिए आई एम सॉरी। एंड आई थिंक सो यहाँ पर जो क्रिटिक 07 को साउंड आ चुका है कि बंदा एक आता कोई बाजू में, ऑस्टिन एक्स को भी सेम साउंड आ चुका है, दोनों के दोनों बंदे आते हुए आमने सामने हैं। यहाँ पर जो है घर में फाइट होती हुई है, यहाँ पर क्रिटिक 07 बिल्कुल पीछे आ चुका है, टेंटिन को स्पॉट कर लिया है, दोनों के पीछे हाइड एंड सीक वाला गेम चलता हुआ, ऑस्टिन एक्स की तरफ से यहाँ पर फायरिंग आता हुआ, क्रिटिक वोट की तरफ से फायरिंग आता हुआ एंड यहाँ पर जो है ऑस्टिन एक्स कंप्लीटली डाउन हो चुके एंड फिनिश ऑफ किए गए। सिनर्जी की टीम को पहला झटका लगता हुआ MYM के बिलीव के ऊपर। यहाँ पर आई थिंक सो भाई ने कहीं से एंट्री ले ली एंड बिलीव भाई को गाड़ी से कहीं से उड़ा दिया है। सो पता नहीं क्या हुआ है बट जो भी हुआ है यहाँ पर एक्सक्यूएफ के पेन ने एक पहले बहुत शानदार नॉक एंड फिनिश किया सोल स्पाइक का, फिर यहाँ पर क्रिटिक भाई ने एक अलग सिनर्जी के ऑस्टिन एक्स के साथ बसड़ मचा दी। सो सिनर्जी की टीम को अब बहुत ही केयरफुल रहकर खेलना होगा बट क्रिटिक यहाँ पर एक गलती कर बैठेंगे, अगर स्पॉट हो जाते तो टेड के पास बहुत सुनहरा मौका इनको फिनिश ऑफ करने का। लेट्स सी टेड यहाँ पर क्या देख रहा है, टेड ने यहाँ पर आई थिंक सो क्रिटिक 07 को स्पॉट कर दिया। क्रिटिक यहां से निकलते हुए सिनर्जी के टेड के यहां पर जो है एंड क्रिटिक को भाई साहब जीवन दान मिलता हुआ, टेड का रीलोड का चक्कर हो गया बाबू भैया एंड क्रिटिक को 07 के पास सुनहरा मौका यहां से निकल लेने का एंड यहां पर जो है ग्रेनेड कुक करके डाला जा रहा है। क्या ये ग्रेनेड फटेगा, अगर ये ग्रेनेड फटता है तो भाई साहब मजा आ जाएगा। एंड ग्रेनेड थोड़ा सा दूर चला गया एंड क्रिटिक को 07 के पास फायरिंग बेशुमार है आने वाली है। एंड टेड को मैं देखो तो टेड यहाँ पर मौली चला के फेंकना चाहेंगे बट बंदा तो इधर अंदर की ओर लटका हुआ है एंड देखते हैं क्या यहाँ पर क्रिटिको 07 बच पाते कि नहीं बच पाते। क्रिटिको 07 यहाँ पर जो है फिनिश ऑफ किया जाता है, सिनर्जी की टीम का अच्छा कॉम्बिनेशन चलता हुआ यहाँ पर जो RIP स्क्वाड के बादशाह यहाँ पर नॉकआउट हो चुके। सो RIP स्क्वाड के पास हम लोग चलते हैं तो बादशाह को पूरी तरह फिनिश ऑफ भी कर दिया गया। सो यहाँ पर करण एंड बीन दो ही बंदे बचते हैं, सो बहुत ही बेहतरीन गेम जा रही है फिलहाल के लिए। लेट्स सी यहाँ पर जो है जोन बनता हुआ वापस से एंड यहाँ पर MYM की टीम के पास आ चुकी है पावर हाउस की टीम, बट यहाँ पर जस्ट बाजू से निकलती हुई यहाँ पर जो RIP के स्क्वाड के बंदे जस्ट बाजू से निकलते हुए एंड यहाँ पर पीछे ऑलरेडी एक टीम दैट इज INS की टीम एंड INS के अलादीन विथ स्कॉट डी सिंह एंड पाब्लो यहाँ पर जो बंदो आई थिंक सो यहाँ पर स्पॉट नहीं किया था। सो दोनों के दोनों स्क्वाड यहाँ पर जो पहले जोन को प्रायोरिटी देकर जोन के अंदर निकलना पसंद करेंगे। हम लोग रिवेंज की स्क्वाड के पास जाए तो रिवेंज की स्क्वाड यहाँ पर बहुत ही तगड़ा वाला रोटेशन देकर कहीं और सिटी में पहुंच चुके हैं। वैसे एलिमेंट की टीम की बातें करें तो एलिमेंट की टीम से यहाँ पर अल्ट्रॉन कलनायक जेसन एंड IT प्रिंस सभी के सभी बंदे फिलहाल के लिए लूट लेकर एकदम मस्त है जोन के अंदर प्रवेश मारेंगे। जोन के अंदर प्रवेश लेते ही फाइट हो जाएगी ताबड़तोड़। टीम INT की बातें करें तो टीम INT से यहाँ पर स्नैक स्लेयर क्रैटोस एंड ट्रांस चारों के चारों टीम INT के बंदे भी जोन के अंदर सीधा का सीधा समेर क्या बोलते हैं सीधा का सीधा जोन के अंदर जाएंगे एंड यहाँ पर जो है गेम लड़खड़ा दी गई।
यही है इस गेम का चक्कर कि बस आप थोड़ा सा ध्यान भटका दो और गेम इतना भारी मात्रा में चिपकता है कि आप क्या भाई बताओ। यहाँ पर पावर हाउस की स्क्वाड है जो जोन के अंदर आ चुके हैं, जोन के अंदर आने का इनका एक फैसला मतलब बहुत ही बड़ा मतलब क्या बोलते हैं गिफ्ट मिलेगा कि उनको अपना फेवरेबल जोन सिलेक्ट करने का, फेवरेबल जोन तो नहीं बट फेवरेबल सेफ हाउस सिलेक्ट करने का मौका मिलता है। एंड यहाँ पर हम लोग P7 की स्क्वाड के पास जाए तो यहाँ पर शाउटी एट लास्ट जूनियर एंड वैम्पी चारों के चारों बंदे आई थिंक तो यहाँ पर जो है जाते हुए आपकी तरफ में यहाँ पर जो है शाउटी को देखे तो शाउटी आगे लीड कर रहे अपनी स्क्वाड को यहाँ पर जो है जीप चलाते हुए एंड माउंटेन के रीजेस के पास गाड़ी चलाते हुए। आई थिंक यहाँ पर क्लेवर फैसला किया है बिकॉज बाई चांस अगर स्क्वाड होते हैं एंड बुलेट्स आती है तो भी रिजेस का एडवांटेज लेकर यहाँ पर बुलेट को अवॉइड किया जा सकता है। एंड यहाँ पर जो है गाड़ी थोड़ा बेकार चल गई, मतलब ड्राइवर की गलती नहीं थी, गाड़ी अपने आप ही गुस्से में इधर उधर निकल गई। यहाँ पर जो है सेल्स के MJ5 बाजू से निकलते हुए शाउटी को यहाँ पर रुक के स्प्रे कर देना चाहिए। यस, यहाँ पर SLR का फायरिंग करना चाहेंगे, MJ जो है गाड़ी बिल्कुल भगा कर निकलना चाहेंगे। यस, यहाँ पर जो है गाड़ी के ऊपर शॉट्स आते हुए एंड सेल्स अपनी टीम के पास आ चुके हैं। तो यहाँ पर MJ अपनी टीम के पास आ चुके हैं एंड सेल्स की टीम को यहाँ पर जो है पता चल चुका है कि सामने के माउंटेन रिजेस के ऊपर टीम आ चुकी है एंड उस टीम के ऊपर जल्दी से जल्दी फोकस करना होगा। फिलहाल के लिए वापस से जोन की बात करूँ तो यहाँ पर जो है गॉड्स रेन की टीम से यहाँ पर गॉड्स के राहुल एंड मनु जोन के बाहर अभी भी गेम के अंदर जोन के अंदर आए नहीं है, फिलहाल के लिए इनको जोन डैमेज फेस करना हो सकता है। एंड यहाँ पर गेम का ग्लिचेस का इशू तो भाई क्या ही बताए, चलो देखते हैं क्या होने वाला है। एंड वापस से हम लोग जाते हैं TGE के पास तो यहाँ पर TGE के स्क्वाड वापस से फाइट लेना शुरू कर दिया। सामने की तरफ यहाँ पर बच्चे चुराने वाली वैन आ चुकी है, यहाँ पर जो एलक्राफ्ट के बंदे को नॉकआउट करते हुए XQF के पेन है यहाँ पर जो एक्सोटिक को पूरा का पूरा फिनिश ऑफ करना चाहेंगे। पेन जो है यहाँ से आई थिंक सो यहाँ पर से निकलना चाहेंगे, आई थिंक यस यहाँ पर पेन को भी फायर एंड क्या ही रिफ्लेक्स सीधा सीधा स्पॉट करके जूम बूम को स्पॉट कर लिया। जूम बूम को यहाँ पर रिवाइव करने जाना होगा अपने टीम में, दैट इज एक्सोटिक को, बट यहाँ पर XQF पेन की नजर में आ गए तो फिलहाल के लिए तो XQF पेन के पास होलोग्राफिक आ चुकी है तो भाई वो बंदा आयरन साइड में इतना भयंकर मारता है तो यार होलो में तो सीधा का सीधा घुसा ही देगा छाती के अंदर गोलियां। बट देखते हैं यहाँ पर जो XQF के पेन आ चुके हैं, गाड़ी रोक चुके हैं एंड यहाँ पर आमने सामने फाइट्स होने ही वाली है। बस यहाँ पर बंदे आ चुके हैं आमने सामने एंड एलक्राफ्ट एंड XQF पेन यहाँ पर 1v2 सिचुएशन। क्या यहाँ पर XQF के पेन, यहाँ पर पीछे की तरफ से बहुत ही बेहतरीन बैक फायर कवर फायर आता हुआ TGE गॉड का एंड यहाँ पर जो है XQF के पेन एंड TGE के DD भाई की शानदार बॉन्डिंग। बट पीछे की तरफ से यहाँ पर क्लाउनी एंड नूब वाइट आते हुए पेन को यहाँ पर केयरफुल रहना होगा, पेन अगर यहाँ पर स्पॉट हो जाते हैं। यस, यहाँ पर पेन स्पॉट हो चुके एंड यस यहाँ पर पूरी की पूरी स्क्वाड ऑफ TGE टीम जीनोसाइड जो है पूरी की पूरी यहाँ पर वाइप आउट होते हुए XQF के पेन बहुत ही शानदार खेल रहे थे। एंड करण भाई थैंक यू फॉर द 20 rupees सुपर चैट, थैंक यू सो मच। एंड वापस से मैं जाता हूँ गेम के और जोन के अंदर एंड जोन की बातें करें तो जोन शिफ्टिंग हो चुकी है वापस से हासियंदा डेल पेट्रोन एंड मीनास जनरलिस्ट को सेंटर हाउस में रखते हुए पावर हाउस के ज़ेब्रा भाई बिल्कुल सेंटर ऑफ द जोन तो नहीं बट थोड़ा सा जोन के बाहर है बट यहाँ पर जोन के अंदर ही गिने जाएंगे तो लेट्स सी क्या होने वाला है। यहाँ पर आइकॉनिक डार्क बॉम्बर एंड ज़ेब्रा चारों के चारों पावर हाउस के बंदे आइकॉनिक सर को देखते हैं तो आइकॉनिक यहाँ पर है Level 1 हेलमेट, Level 1 वेस्ट एंड Level 2 क्या बोलते हैं बैग विद M416 एंड AKM। तो यहाँ पर असॉल्ट की पूरी दुकान है, 3 फर्स्ट एड किट्स है, 10 बैंडेजेस है। यहाँ पर पावर हाउस की पूरी टीम इनको आई थिंक सो लेने आएगी एंड यहाँ पर अपना एक अलग ही डेरा चुनने का ट्राई करेंगे। यहाँ पर INS की स्क्वाड के सामने आ चुकी है, RIB की पूरी स्क्वाड बिल्कुल बाजू से हल्का रोटेशन मार के निकलना चाहेंगे बट क्या यहाँ पर कवर के लिए रुकते हैं ना RIB की स्क्वाड को पूरा का पूरा फिनिश ऑफ करना चाहेंगे कि नहीं करना चाहेंगे ये हमको देखना पड़ेगा। फिलहाल के लिए जो है INS की टीम ने यहाँ पर गाड़ी रोक दिया, आई थिंक सो यहाँ पर डी सिंह भाई हो चुके हैं उतरे हैं यहाँ पर जो है आई थिंक सो मजाक कर रहे थे हमारे साथ में। यहाँ पर बीन भाई को क्या ही लगी है, करण भाई को आना होगा इनको बचाने के लिए। सो RIB स्क्वाड के करण यहाँ पर जो है एक अच्छा सा व्यू लेना चाहेंगे। फिलहाल के लिए जो बीस्ट है इनको कॉल मिल चुका कि भाई पीछे आ जाओ, फिलहाल के लिए दो बंदे हैं एंड यहाँ पर जो है फाइट लेना थोड़ा सा मुश्किल है, डिफिकल्ट इम्पॉसिबल तो नहीं है मुश्किल है बिकॉज शानदार रोटेशन अगर चला जाता है अगर INS की टीम का तो यहाँ पर भारी पड़ सकता है। बट फिलहाल के लिए हम लोग डी सिंह को देखें तो डी सिंह यहाँ पर एक अलग ही गेम खेलते हुए एंड यहाँ पर बीन को जो है काफ़ी भयंकर डैमेज आता हुआ विद दैट ग्रेनेड, हेल्थ तो ऑलमोस्ट 10% एंड यहाँ पर जो है बैंडेज चलाए जा रहे हैं एंड आई थिंक सो यहाँ पर बंदे इनके बाजू में बिल्कुल आ चुके हैं एंड इनके ऊपर जो है अब रश हो सकता है कभी भी किसी भी मोमेंट पर। एंड यहाँ पर जो है पाब्लो भाई साहब पूरी की पूरी गाड़ी घुमा कर चले गए, बीन को स्पॉट कर लेंगे एंड बीन यहाँ पर जो है नजर टके बैठे। अगर जो बीन को स्पॉट कर लेते हैं RIB स्क्वाड के करण भाई
तो अलग ही मजा आ जाएगा। एंड पाब्लो भाई जो पीछे की ओर से निकल गए, सॉरी गाइस मैं थोड़ा गलत बोल दिया, बट यहाँ पर पाब्लो भाई स्पॉट गले तो देखना होगा, मजा आ जाएगी। यहाँ पर जो है न्यू एस टी बीन जो है बिल्कुल सामने एम लॉक हो चुका है INS से, एंड INS के चारों के चारों बंदों को पता है कि यहाँ पर जो है ऊपर की ओर बंदा बैठा ही है। एंड आई थिंक सो यहाँ पर क्या ग्रेनेड कुक करके डाला जाएगा या फिर गोलियां टाकना चाहेंगे। यहाँ पर सेल्स के MG ने PH के बॉमर को डाउन कर दिया है, आइकॉनिक ने यहाँ पर एश गेमर को डाउन कर दिया, आइकॉनिक ने यहाँ पर एश गेमर को पूरी तरह फिनिश ऑफ भी कर दिया है, आतंकी यहाँ पर डाउन हो चुके। सो यहाँ पर पावर हाउस की एक अलग ही फाइट हो चुकी है, उसी के साथ यहाँ पर RIP के स्क्वाड विद INS की फाइट हो चुकी है। यहाँ पर करण जो है नॉकआउट पड़ा है, भीन अकेले बचे, भीन को आना होगा। एंड इसी के साथ यहाँ पर पावर हाउस की टीम सेल्स रॉक्स को डाउन करती हुई, स्क्वाड को यहाँ पर करण का किल मिलता हुआ, ज़ीब्रा ने यहाँ पर रॉक्स को पूरा का पूरा फिनिश ऑफ किया, एंड यहाँ पर जो भीन की स्क्वाड भी समाप्त होती हुई। एंड हम लोग इसी के साथ मूव ऑन करेंगे अलग ही जोन के अंदर। एंड यहाँ पर जो है पावर हाउस की स्क्वाड ने बहुत ही पावर गेम दिखाते हुए पूरी की पूरी एक स्क्वाड को एलिमिनेट कर दिया। एंड यहाँ पर जो है शानदार टीम किल्स चार लेते हुए आइकॉनिक डार्क बॉम्बर एंड ज़ेब्रा चारों के चारों बंदे मिलकर काफी ओपी गेम खेलते हुए सेल्स की टीम को पूरा का पूरा फिनिश ऑफ कर दिया। गाइस सॉरी मैं उनकी फाइट नहीं दिखा सका बिकॉज ऑलरेडी एक और फाइट रनिंग चल रही थी और अचानक से ये फाइट आ गई, सो आई एम सॉरी, बट कोई बात नहीं, अगली बार देखते हैं कुछ अच्छा से कर पाएंगे। एंड यहाँ पर जो सिनर्जी की टीम के सामने गॉड्सलैंड की पूरी टीम आ सकती है, फिलहाल के लिए सिनर्जी की टीम को जोन के अंदर आना है। एंड यहाँ पर गॉड्सलैंड की टीम ऑलरेडी जोन के अंदर है, यहाँ पर पहाड़ों के ऊपर रुक के एडवांटेज उठाया जा सकता है अगर स्पॉट कर दे तो, बट आई थिंक यहाँ पर स्पॉट किया कि नहीं किया, आई थिंक यहाँ पर बहुत बड़ा वाला रोटेशन देना चाहेंगे, पता नहीं क्यों, बट यस मेरे को ये लग रहा है। लेक्सम की बात करें तो यहाँ पर आर्टेमिस बोप डोप ओमेगा एंड इग्नाइट लूजर, इनको माउंटेन का कवर, रिजेस का कवर, बहुत ही शानदार जगह मिली है। एंड फिलहाल के लिए तो वेट कर रहे हैं बंदे जोन के अंदर क्लोजिंग करने का, एंड जैसे ही कोई क्लोजिंग करता है इनके पास बहुत सही अपॉर्चुनिटीज रहेगी बिकॉज इनके पास 360 डिग्री में कवर है, बट वही सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है अगर कि 360 कवर है तो 360 फायर भी हो सकता है। एंड एयर ड्रॉप की बात करें तो एयर ड्रॉप लूटने के लिए एलिमेंट्स की टीम आ चुकी है, एयर ड्रॉप को पूरा का पूरा फिनिश ऑफ भी कर दिया लूट के। एंड वापस हम लोग एलिमेंट्स की टीम के पास जाए तो यस यहाँ पर एलिमेंट की टीम बिल्कुल यहाँ पर है सामने की तरफ INS की टीम, सो यहाँ पर जो है एलिमेंट्स एंड INS हो सकता है, कुछ कह नहीं सकता क्या यहाँ पर। एक सेकंड, ये कहाँ से आ गया मैं पावर हाउस की टीम के पास क्यों आ गया। एंड यहाँ पर जो INS स्लेयर भाई प्रेस देते हुए अपनी वेंच की टीम के ऊपर है, यहाँ पर जो है INS ने टीम INS स्लेयर ने यहाँ पर जो शॉट्स दिए है उसने पावर हाउस की टीम को यहाँ पर ट्रिगर कर दिया है कि नीचे की ओर बंदे है। टीम INS स्लेयर जहां पर भी जा रहा है बिल्कुल पावर हाउस के टीममेट्स के नजर में हो जाएंगे बिकॉज स्लेयर ने जो है फायर दे दिया एंड पावर हाउस उसी मोमेंट को ट्रिगर करके बैठी है कि नीचे की तरफ स्क्वाड है। एंड यहाँ पर जो है टीम INS का सैंडविच हो सकता है अगर नीचे की ओर से, अगर रिवेंज की टीम सामने की ओर चली जाती है इस वाली जगह पर तो भाई साहब टीम INS का बहुत ही तगड़ा वाला ग्रेल सैंडविच हो सकता है। बट यहाँ पर पावर हाउस की जो पूरी की पूरी टीम है ऊपर की तरफ है, क्या यहाँ पर बॉम्बर भाई नीचे की तरफ आ रहे कि नहीं आ रहे हमको ये देखना होगा बिकॉज गाड़ी तो निकाल ली है, अगर नीचे की ओर आते हैं तो भाई मजा आ जाएगा बिकॉज वहां पर रिवेंज की स्क्वाड ऑलरेडी मौजूद है। एंड टीम INS को स्पॉट कर लेते तो भाई सोने पे सुहागा है बिकॉज टीम INS एंड टीम INS दोनों के दोनों भाई भाई वाली टीम है एंड झगड़ा इनके बीच में। यहाँ पर क्रेटोस की गाड़ी फूट कर हत्या हो सकती है बट यहाँ पर सही टाइम पर निकल लिया है। एंड यहाँ पर जो है रेज ने क्रेटोस को मिनी 14 के टप टप वायर से यहाँ पर डाउन कर दिया एंड गेम जो है चिपकी है, एज यूजुअल गेम चिपकी है। तो गाइस मैं रिस्टार्ट करता हूँ गेम को बिकॉज गेम चिपक गई है, ठीक है, यस बिकॉज गेम चिपक गई है एंड इस गेम का हम लोग कुछ कर नहीं सकते बिकॉज गेम चिपक गई है। वापिस से गेम को स्टार्ट करने की ट्राइंग करके बिकॉज गेम चिपक गई है, यही होता है हमारे साथ में। जैसे कि मैंने बोला था कोरोना वायरस पबजी मोबाइल के गेम में भी आ चुका है, अपडेट्स होने के बाद ऑटोमेटिक गेम क्रैश हो रहा है ऑलरेडी। आज बहुत ही जितने भी कास्टिंग्स मैंने देखी अलग अलग चैनल्स के तो वहां पर वही हाल हो रहा था कि एम्युलेटर क्रैश हो रहा था। एंड देखते हैं वापस से लॉग इन कर पाते कि नहीं कर पाते बिकॉज इस गेम का ना भरोसा उठ चुका है हमसे, मतलब हमको इस गेम से भरोसा उठ चुका है। क्या यहाँ पर जाने देगी वापस से मैच के अंदर? जी हाँ यस, यहाँ पर हमको मैच के अंदर वापस से जाने देगी, तो देखते हैं क्या होने वाला है, क्या हम मैच के अंदर प्रवेश मार पाते हैं। अगर प्रवेश मार लेंगे तो क्या यहाँ पर हम लोग टीम को फाइट करते हुए देख सकते हैं बिकॉज टीम INS एंड टीम INS दोनों भाई भाई की फाइट होने वाली थी बट वहां पर रिवेंज के बंदों ने थर्ड पार्टी अचानक से अपना अलग ही गेम कर दिया आकर। एंड देखते हैं क्या होता है। फिलहाल के लिए टीम INS के स्नैक्स को देखते तो क्रेटोस यहाँ पर अभी भी नॉक्ड आउट पड़े हैं, रिवेंज की टीम सामने की ओर आ चुकी है, मॉली चलाते हुए यहाँ पर टीम INS के स्नैक्स, ओके सो मॉली बंदी कर दिया उठाने के साथ।
रिवेंज कराया था यहाँ पर टीम एंड क्रेटोस को पूरा का पूरा फिनिश ऑफ कर दिया। गेम के अंदर वापस हम लोग आ चुके हैं एंड अब देखते हैं ट्रांस यहाँ पर फंस सकता है। ट्रांस ने यहाँ पर हीलिंग कर दिया, रिवेंज के परफेक्ट यहाँ पर आते हुए रिवेंज के परफेक्ट परफेक्ट नहीं यहाँ परफेक्ट एंड स्लेयर के ऊपर निशाना डाका, ट्रांस को यहाँ पर नॉक कर दिया। स्नैक्स यहाँ पर स्पॉट में आ सकते हैं एंड यहाँ पर जो है सोनिक फॉक्स ने आईएनडी स्नैक्स को डाउन कर दिया। भाई आईएनडी के बंदे मतलब थ्री मैन से वन मैन पे आ चुके हैं, दो बंदे डाउन है यहाँ पर जो रिवाइवल करने की ट्राई हो रही है बट पीछे से बंदे आते हुए सेवन एस के पॉइंट बॉक्स पीछे की ओर से आते हुए स्लेयर का गेम होता हुआ। टीम आईएनडी पहली फुर्सत से गेम के बाहर होती हुई एंड यहाँ पर आईएनएस और रिवेंज की टीम ने यहाँ पर जो है पूरी की पूरी टीम आईएनडी को गेम के बाहर कर दिया। नाउ इट्स टाइम फॉर पावर हाउस, पावर हाउस ने आई थिंक सो यहाँ पर ये जगह ही पूरी की पूरी जाने दी है। फिलहाल के लिए यहाँ से निकल चुके या तो फिर एलिमिनेट हो गए, मुझे कुछ आइडिया नहीं आ रहा। एंड यहाँ पर फिलहाल मैं लिखूँ तो एलेक्सटम की स्क्वाड नीचे की तरफ ऊपर की तरफ आ चुकी है। मैं वापस से कंफर्म कर लेता हूँ कि पावर हाउस की स्क्वाड फिलहाल के लिए सर्वाइव कर रही है कि नहीं कर रही। यस दे आर ऑलरेडी इनसाइड द गेम, जोन शिफ्टिंग हो चुका है वापस से एंड जोन बहुत तगड़ा कटने वाला है बिकॉज जोन आ चुका है डेल पेट्रोन के पैट्रोन के पास एंड आई थिंक सो यहाँ पर बीचों बीच चलता हुआ है एंड यहाँ पर स्पॉट किए जाएंगे। बोप डोप यहाँ पर M416 स्पॉट करने का ट्राई करें, पीएस शाउट ने यहाँ पर एलक्राफ्ट के क्लाउनी को डाउन कर दिया, रिवेंज की टीम को यहाँ पर स्पॉट कर दिया। यस यहाँ पर बैठ के फायरिंग दे सकता है एंड रिवेंज की टीम बट यहाँ से निकलना चाहेगी। एल एस के बोप डोप थोड़े से लेट हो चुके या तो फिर ये अभी फायरिंग देना नहीं चाहते थे, कुछ उनकी स्ट्रेटेजी हो सकती है हमको तो उतना पता नहीं होता बिकॉज ये खेलने वाले बंदे हम बोलने वाले बंदे तो यहाँ पर कुछ तो स्ट्रेटेजी यूज़ करने वाले होंगे तभी जाके उन्होंने फायरिंग नहीं दिखाया था। एंड यहाँ पर सेवन इसके फाइनल बॉस बिल्कुल सामने से निकलते हुए पावर हाउस के गिली सूट है इनके पास, ग्रोजा है ऑग इनके पास में एंड मिनी फोर्टी एंड यहाँ पर सिक्सेस की स्प्रे देने की ट्राई की बट यहाँ पर ज़ीब्रा को थोड़ा सा डैमेज आता हुआ। यहाँ पर पी सेवन के वैम्पी ने नॉक कर दिया, एल क्राउनी ने यहाँ पर जो है वैम्पी एंड क्लाउनी दोनों के दोनों बंदे को आई थिंक तो यहाँ पर ग्रेनेड से उड़ाते हैं। क्या यहाँ पर एलक्राफ्ट की टीम निकल जाती है गेम के बाहर? यस यहाँ पर एलक्राफ्ट की पूरी टीम आई थिंक सो अपने ही ग्रेनेड से चल वैसी है गेम के बाहर। कुछ तो सीन हो चुका था इनके साथ में, या तो फाइट ले रहे थे कहीं पर, यस यहाँ पर ये फाइट ले रहे थे। फाइनल बॉस को यहाँ पर आई थिंक सो बहुत ही केयरफुल रहना होगा बिकॉज पीछे की ओर से स्वागत करने के लिए ऑलरेडी इनके पास टीम आने वाली है। अब देखते हैं इनके क्या स्ट्रेटेजी यूज करने वाले बिकॉज पीछे की ओर से रिवेंज की टीम आ चुकी है। परफेक्ट यहां पर स्पॉट कर लेंगे, परफेक्ट नहीं यहां पर। ओ साहब गाइस एक सेकंड, सेम टीम है। अच्छा ओके ओके सेम टीम है, सेम टीम है, सेम टीम है गाइस। मैं पगला गया था नाम अलग देख के। सो यहां पर जो है पावर हाउस वर्सेस रिवेंज की टीम यहां पर होने वाली है। पीछे की तरफ से एमवाईएम की टीम आती हुई एंड गायरो गॉड आई थिंक यहां पर गायरो गॉड हमारे गायरो गॉड है शाहनवाज सर है क्या? मुझे कुछ आइडिया नहीं आ रहा बट आई थिंक सो वही लगता है शाहनवाज सर हमारे गायरो गॉड है एंड आईएनएस के अलादीन यहाँ पर उसी तरफ है। वापस हम लोग जाना चाहे पावर हाउस की टीम के पास या यहाँ पर जो है एमवाईएम की टीम को स्पॉट किया जाएगा। यस यहाँ पर जो है सोनिक फॉक्स जाते हुए गाड़ी का हाल बेहाल है एंड जहाँ पर गए थे वहाँ पर ऑलरेडी टीम का डेरा डला हुआ है। पावर हाउस की टीम इनको ऑलरेडी स्पॉट करके बैठी है। रिवेंज की टीम का आई थिंक सो यहाँ पर गेम हो सकता है अगर पावर हाउस एंड एमवाईएम का कॉम्बो पैक आता तो, बट कोई बात नहीं बैड लक होता रहता है। मॉडल ने यहाँ पर स्पॉट कर लिया रिवेंज की टीम को। यहाँ पर गायरो गॉड को देखो तो गायरो गॉड के पास तो आई थिंक सो गॉड भी होगा ही। यस यहाँ पर जो स्पॉट करने की ट्राई की जा रही है रिवेंज की टीम को वही के साथ। रिवेंज की टीम को अगर हम लोग देखें एक बार तो यहाँ पर एलिमेंट के खलनायक ने सिनर्जी के श्राइडर को पहली प्रोसेसिंग गेम के बाहर नॉक कर दिया, पहले गेम के बाहर यस नॉक कर दिया इनको। अगर फिनिश ऑफ कर दिया तो गाइस देख लेना बिकॉज थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है एंड गेम जिस तरह से यार ये गेम हिलता है डुलता है बिगड़ता है इसको कोरोना वायरस लग चुका है। एंड यहाँ पर क्लोक को देखा तो क्लोक यहाँ पर जो है ऊपर की ओर चढ़ चुके हैं। एल स्टम मतलब लेग स्टम की टीम यहाँ पर आ चुकी है, पी सेवन की टीम बिल्कुल उनके पीछे आ चुके हैं। वैम्पी यहाँ पर जो है बागी लेकर जाते हुए यहाँ पर निकल जाना सबसे बेहतर रहेगा। शाउटी को देखो तो शाउटी यहाँ पर जो है भारी भरकम बस चलाते हुए जिसका पिकअप बिल्कुल भी नहीं है, उनको मैकेनिक की जरूरत है उस गाड़ी को। एंड हम लोग देखे तो क्या यहाँ पर जो रिवेंज वर्सेस एमवाईएम वर्सेस पी सेवन हो सकता है कि नहीं हो सकता, बट यहाँ पर जो एलिमेंट की टीम ओके सो यहाँ पर चार चार अलग अलग गेम होते हुए पावर हाउस की टीम ने एक अलग ही गेम कर दिया है यहाँ पर जो चलता हुआ। रिवेंज की टीम को देखा तो परफेक्ट यहाँ पर डाउन हो चुका है, रेड को हम लोग देखे तो यहाँ पर रिवाइव कर रहे हैं। आइकॉनिक जो है यहाँ पर आइकॉनिक डार्क एंड बॉम्बर यहाँ पर जो है चलते हुए इग्नाइट लूजर यहाँ पर नॉक होते हुए गाइस गेम थोड़ा हाथ से बाहर जा रहा है, हर जगह फाइट चल रही है। I will try कि मैं हर जगह दिखा पाऊँ। आइकॉनिक को देखो तो मैं यहाँ पर जो है चलाते हुए मिनी 49 यहाँ पर रिवेंज की ओर स्प्रे देते हुए। आईएनएस की टीम को यहाँ पर देखे तो आईएनएस की टीम यहाँ पर जो है क्लोज में आ चुकी है। टीम 7 दैट इज रिवेंज के क्लोज में आ चुके हैं। यहाँ पर जो स्पॉट आई थिंक स्पॉट कर लिया रिवेंज के बंदों को
एंड यहाँ पर प्रोन फायर वाली स्ट्रेटेजी यूज करना चाहते हैं, बट साइड से M5 के बंदों ने इनको स्पॉट कर दिया है। स्कॉट के ऊपर भारी मात्रा में स्कॉच वाला डैमेज आता हुआ एंड यहाँ पर से भाई अपनी पोजीशन चेंज करनी पड़ेगी बिकॉज थर्ड पार्टी M5 कर रही थी इनको। उसी के साथ यहाँ पर आइकॉनिक जो पावर हाउस की पूरी टीम है वो यहाँ पर जो रिवेंज की टीम को थर्ड पार्टी कर रही है। सो यहाँ पर एलक्राफ्ट लेक्सटम्स के ओमेगा ने यहाँ पर जो पीस है उनके बंदे को डाउन कर दिया है। सो लेक्सटम्स की एक अलग ही फाइट चलती हुई एंड फिलहाल के लिए चार टीमों का सम्मेलन चलता हुआ रिवेंज एंड एनएस की फाइट में पावर हाउस एंड M1M थर्ड पार्टी करने के लिए आ चुके हैं। एंड अब देखते हैं क्या यहाँ पर जो अलग टीम को स्पॉट करते कि नहीं करते। यहाँ पर जो सेल्स कल्ट्रॉन ने गॉड मनु को डाउन कर दिया है। सो वापस से मैं देखो तो एलिमेंट के खलनायक आई थिंक सो यहाँ पर किल ले रहे थे। यहाँ पर खलनायक आर्टेमिस ने यहाँ पर P7 के वैम्पी को पूरा फिनिश ऑफ कर दिया। वापस से मैं जाता हूँ यहाँ पर INS की टीम के पास। सो INS की टीम यहाँ पर जो है क्लोज कॉम्बैट में आ चुकी है, ऊपर की तरफ ही टीम है एंड यहाँ पर 7S फाइनल बॉस नॉक हो चुके हैं। स्कॉट यहाँ पर नॉक हो चुके हैं, जा रहा है अलादीन भाई उनको रिवाइव करने के लिए, बट यहाँ पर रेड भाई जो है रोटेशन दे चुके हैं स्मोक के थ्रू एंड यहाँ पर P7 एटलास ने LS के बोप डोप को डाउन कर दिया है। रेड नीचे की तरफ है एंड यहाँ पर जो है भाई साहब नॉक होते हुए और एक साहब एंड यहाँ पर डी सिंह एंड पाब्लो को जाना होगा। डी सिंह यहाँ पर अकेले बचे INS की टीम से, डी सिंह को यहाँ पर बच के खेलना होगा, बट यहाँ पर M1M की टीम थर्ड पार्टी कर सकती थी, बट यहाँ पर रिवेंज के बंदों ने आकर पूरा का पूरा गेम चेंज कर दिया एंड हम वापस से देखें M1M की टीम यहाँ पर जो है जोन के अंदर प्रेडिक्शन मारने जा रही थी, बट यहाँ पर जो है लेक्सम की टीम इनके साथ आ चुकी है। M1M के बंदे यहाँ पर नॉक ऑफ होते हुए बोप डोप एंड लूजर दो ही बंदे बचे हैं। बोप डोप को देखे तो बोप डोप यहाँ पर रिवाइव करेंगे, लूजर यहाँ पर आई थिंक रिवाइव कर देना चाहिए, बट यहाँ पर जो है थ्रोएबल्स की गेम होती हुई लेक्सटम वर्सेस M1M हो चुका है गाइस। एलिमेंट आईटी प्रिंस ने यहाँ पर M1M के क्लोक को थर्ड पार्टी कर दिया है। एलिमेंट की टीम यहाँ पर जो है अलग ही थर्ड पार्टी करती हुई, एलिमेंट की टीम वहाँ आपके है एंड यहाँ पर M1M की टीम है, थर्ड पार्टी चल रहा है। पावर हाउस की टीम यहाँ पर कभी भी कम क्लोज इन कर सकती है एंड उसका फायदा उठा सकती है, बट एलिमेंट की टीम को यहाँ पर बहुत ही बड़ा एडवांटेज मिलता हुआ। गायरो गॉड को देखे तो गायरो गॉड का आई थिंक पोजिशन उनको पता तो नहीं चलेगा एग्जैक्टली कर क्या रहा है वो, बट जहाँ पर भी कर रहे होंगे यहाँ पर जो है गाड़ी लेकर निकल गए M1M की पूरी टीम। एलिमेंट की टीम के पास अभी भी चांस है थर्ड पार्टी होकर के एक किल लेने का एंड यहाँ पर बिलीव भाई जहाँ पर भी जा रहे हैं आई थिंक सो गाड़ी इनका थोड़ा सा कलेश हो गया गाड़ी के साथ में एंड यहाँ पर जो एलिमेंट की टीम के सामने चले गए। पीछे की तरफ पावर हाउस की टीम है, आई थिंक सो इनका ध्यान नहीं है उस तरफ। यस यहाँ पर उनका थोड़ा सा एंगल नहीं है एंड पावर हाउस की टीम यहाँ पर जो है क्लोजिंग करती हुई जेब्रा को आई थिंक सो यहाँ पर पोजिशन मिलनी चाहिए। IM की टीम जो है यहाँ पर ऊपर की तरफ जा रही है, सिनर्जी की टीम ऑलरेडी मौजूद है, टेड यहाँ पर फर्स्ट फ्लोर के ऊपर ऑन दैट विंडो बालकनी पे बैठे हुए, स्लेड यहाँ पर ग्रेनेड कुक करके बैठे, ग्रेनेड जाएगा सीधा का सीधा अंदर, टेड यहाँ पर नॉक हो सकता है बट ग्रेनेड कैसा कहाँ पर जाता है। यस यहाँ पर SG के टेड बिल्कुल बेहतरीन ग्रेनेड से नॉक होते हुए अब यहाँ पर बच के खेलना होगा। सीरवी श्राइडर दो ही बंदे बचे, वापस मैं सीरवी को देखो तो सीरवी यहाँ पर रिवाइव करने आए, बट इनके पास में बंदे क्लोज इन कर रहे हैं फिनिश ऑफ करने के लिए एंड गेम होने वाला है इनका एंड वापस है जोन का डैमेज होने वाला है जबरदस्त एंड यहाँ पर सभी को जोन के अंदर मूव इन करना होगा। वापस देखो तो यहाँ पर जो है टेड नॉकआउट हो चुका है बाई IM स्लेड। जोन के अंदर रिवेंज की टीम मेक इन करना चाहेगी, साथ साथ पावर हाउस की टीम भी मेक इन कर रही है आई थिंक सो। यहाँ पर IM की टीम पूरी की पूरी प्ले जोन से जाने वाली है, आई एम श्योर। यस यहाँ पर IM की टीम पूरी की पूरी प्ले जोन से जा सकती है रिवेंज की टीम से। 7S के फाइनल बॉस बार की ओर घूमते हुए वापस हम लोग M1M की टीम के पास से आए तो M1M की टीम यहाँ पर जो एलिमेंट एंड पावर हाउस दोनों की दोनों की टीमों के ऊपर निशाना लगा के बैठे हैं। यहाँ पर प्ले जोन से फाइनल बॉस भी जाते हुए ज़ेब्रा ने यहाँ पर रिवेंज के रायत को डाउन कर दिया। सो मैं वापस से पावर हाउस की टीम के पास एक बार जा सकता हूँ तो नहीं जा सकता बिकॉज यहाँ पर वापस से हमारा यंत्र को कोरोना का वायरस लगता हुआ एंड हर बार की तरह ये जाता हुआ क्या हो रहा है पता नहीं चल रहा है इस गेम को। सोल गाइस सोल नहीं जॉइन कर पाई थी इस मैच को, पता नहीं अगले मैच में आएगी कि नहीं आएगी, पहले ये मैच तो नहीं जॉइन कर पाई सोल, आई एम सॉरी फॉर इट, क्योंकि मैं इसमें कुछ कर नहीं सकता अगर वो नहीं आया तो। भाई साहब ये कितनी बार मैच के अंदर गेमिंग कर लॉगिन करवाएगा मेरे को पता नहीं है, दो बार, ये दूसरी बार हो चुका है, ये दूसरा लॉगिन है मेरा इस गेम के अंदर मैच के अंदर। एंड यहां पर LS के बोप डोप ने M1M के गायरो गॉड को नॉक कर दिया, रिवेंज के रही है यहां पर जो है स्पॉट करके बैठा है। आई थिंक सो यहां पर M1M की टीम को
खतरा मोड़ लिया गया। आई थिंक सो इनके पास टीम आ चुकी है, एक से बढ़कर एक सारी, बहुत सारी टीम आ चुकी है। यस, यहाँ पर एमवाएम की टीम सैंडविच हो चुकी है, बहुत सारे बंदे इनके बाजू में आ चुके हैं। यहाँ पर जो है लेग स्टंप्स के प्लेयर गए थे क्लोज मैन, गायरो गॉड को देखे तो गायरो गॉड यहाँ पर गेम कर सकते हैं। गायरो गॉड यहाँ पर करोड़ों के भाई बंदे की हेल्थ काफी खा गए थे। इमॉर्टल बनते हैं, इमॉर्टल के बाजू में यहाँ पर बंदा रोटेशन दे दिया एंड क्या होने वाला है। यस, यहाँ पर जो है पीछे की ओर से खत्म कर दिया। एमवाएम की टीम का यहाँ पर इस गेम से निकलना होगा एंड वापस से रिवेंज की टीम को देखो तो रिवेंज की टीम यहाँ पर जो गेम करती है, एमवाएम की टीम को यहाँ पर जो है एलएस की पहले जो है एलएस की लेग स्टंप्स क्या यहाँ पर इनको किल मिलता हुआ, फिर एमवाएम की टीम पूरी की पूरी फिनिश ऑफ होती हुई एंड सो कोई बात नहीं, होता रहता है। पावर हाउस की टीम को यहाँ पर केयरफुल करके खेलना होगा। रेड यहाँ पर और एक ग्रेनेड कुक करके बैठा है, परफेक्ट नहीं, यहाँ पर ज़ेब्रा को फिनिश ऑफ कर दिया है। रेड का ग्रेनेड जाता हुआ यहाँ पर जो है बॉडी शॉट सकते हुए एंड यहाँ पर ग्रेनेड काफी भी नहीं लगा, जरा भी नहीं लगा एंड आइकॉनिक एंड बॉम्बर की जान जो है बच गई है। सो कोई दिक्कत नहीं है, आइकॉनिक जो है यहाँ पर जो है शैक के अंदर बैठे हैं, इनको फिलहाल के लिए जरूर कोई दिक्कत नहीं होने वाली। बट यहाँ पर जो है एलिमेंट के आईटी प्रिंस यहाँ पर आके गेम कर सकते हैं टीम रिवेंज का। एलिमेंट के जेसन वहाँ पर पीछे की ओर चले गए एंड आई थिंक सो यहाँ पर रिवेंज के परफेक्ट या तो फिर सोनिक फॉक्स को सपोर्ट कर सकते हैं। बॉम्बर यहाँ पर प्रोन पड़े, आईटी प्रिंस को देखो तो यहाँ पर आई थिंक सो आइकॉनिक को सपोर्ट करने की ट्राई करेंगे, यहाँ पर रोटेशन काफी तगड़ा देते हुए एंड यहाँ पर जेसन को देखे तो जेसन यहाँ पर सपोर्ट करके बैठे रिवेंज की टीम को। बॉम्बर एंड आइकॉनिक दो बंदे को हम लोग देखे तो यहाँ पर जो है भाई साहब फिलहाल के लिए तो सेफ है, इनको कोई दिक्कत नहीं आने वाली। बट यहाँ पर जो है जोन शिफ्ट हो चुका है, जोन के अंदर क्लोज इन करना होगा, इनके पास गाड़ी थी वो भी फूट चुकी है। रिवेंज की टीम यहाँ पर फाइट लेते हुए एलिमेंट के जेसन यहाँ पर प्रेशर बनाते हुए रिवेंज की स्क्वाड के ऊपर एंड रिवेंज की स्क्वाड फिलहाल के लिए स्मोक गेम्स खेलते हुए आईटी प्रिंस ने यहाँ पर बहुत भारी रोटेशन दे दिया, ऑलरेडी जोन के अंदर क्लोज इन कर दिया। रिवेंज की टीम को जोन के अंदर जाना होगा, जेसन उस बात का फायदा उठाकर रिवेंज की टीम को यहाँ पर नॉक करके बैठा है। सोनिक फॉक्स यहाँ पर नॉक होते हुए आईटी प्रिंस ने उनका फिर स्क्वाड किया हुआ, परफेक्ट वापस से नॉक हो सकता है बिकॉज जेसन एंड आईटी प्रिंस दोनों काफी सही खेल रहे, उनका काफी अच्छा जा रहा है, डुओ गेम काफी अच्छा। बॉम्बर को डाउन कर दिया है भाई रिवेंज के रायत ने, बॉम्बर को पूरी तरह फिनिश ऑफ किया है आईटी प्रिंस, यहाँ पर चुरा के मेरे आईटी प्रिंस निकल गए। सो देखते हैं आइकॉनिक यहाँ पर हीलिंग बैटल शुरू कर दिया एंड यहाँ पर जो है क्या हीलिंग बैटल बच पाएगी, आइकॉनिक गोस फॉर दैट हीलिंग बैटल। एलिमेंट की टीम ऑलरेडी इनसाइड द जोन, आइकॉनिक स्टिल हैज सिक्स हैंड फर्स्ट एड इन हिज हैंड, तो यहाँ पर जो है हीलिंग बैटल आइकॉनिक चलाते हुए। एलिमेंट की टीम जो है ऑलरेडी जोन के अंदर है, पांच चार फर्स्ट एड किट अभी भी बची हुई है, क्या यहाँ पर जो है बच पाते कि नहीं बच पाते। बट यहाँ पर जो है आई थिंक सो बचना बिल्कुल इम्पॉसिबल लग रहा है आइकॉनिक का एंड अब तीन फर्स्ट एड किट, अब दो बचने वाली है, ये तीसरी अप्लाई कर रहे हैं, दो बची हुई है एंड यहाँ पर जो एलिमेंट की टीम का फॉर श्योर विनर विनर चिकन डिनर एज कन्फर्म्ड। आइकॉनिक ने यहाँ पर जो हील बैटल ले ली है बहुत ही जोन के बाहर काफी पहले शुरू कर दी एंड बट यहाँ पर जो एलिमेंट की टीम को उस बात का फायदा होने वाला है एंड यहाँ पर जो है आइकॉनिक जो है मतलब गन लेकर निकाल चुके हैं, यहाँ पर आईटी प्रिंस को नॉक करना चाहते थे बट उसी के साथ यहाँ पर जो है आइकॉनिक सर का गेम खत्म होता हुआ एंड एलिमेंट की टीम ने निकाल लिया है तो विनर विनर चिकन डिनर। आइकॉनिक सर ने काफी बेहतरीन कोशिश की कि हीलिंग बैटल लेकर इस गेम को अपने हाथ में किया जाए बट कोई बात नहीं, बहुत सही खेल रहे थे एंड वापस यहाँ पर देखे तो पोजीशंस आर एज फॉलोज, यहाँ पर पहले मैच के एलिमेंट की टीम ने यहाँ पर विनर विनर चिकन डिनर निकाला था विद 9 किल्स, फिर आती है पावर हाउस की टीम विद 6 किल्स, फिर आती है रिवेंज की टीम विद 14 किल्स, फिर आती है लेग स्टंप्स की स्क्वाड विद 7 किल्स, फिर आती है एमवाईएम विद 3, आईएम विद 3, गॉड्स विद 0, सिनर्जी विद 1, आईएनएस विद 3, P7 विद 2, एलक्राफ्ट विद 2, टीम आईएनडी विद 0, आरआईपी स्क्वाड विद 1, सेल्स विद 0, टीम जीनोसाइड विद 4 एंड जो है हमारे डार्क लॉर्ड तो रूम बनाने वाले बंदे थे तो उनका कुछ नहीं हो सकता इस गेम के अंदर। तो बस इसी के साथ यहाँ पर जो है खतरनाक गेम कर दिए आइकॉनिक, अगर यहाँ पर हीलिंग बैटल थोड़ी सी ज्यादा अगर बैंडेज फर्स्ट एड किट बचती इनके पास तो गेम आसानी से हाथ में करके बैठे थे। बट यहाँ पर एलिमेंट की टीम को यही फायदा था कि जोन अभी भी बचा हुआ था उनके पास में, सो उनका जीतना तो कन्फर्म ही था बिकॉज अगर एक बंदा सेक्रीफाइस कर दिया था अपने हीलिंग, सो यहाँ पर एक बंदा तो हीलिंग करने ही वाला था हील बैटल, तो कोई बात नहीं। बट यहाँ पर आइकॉनिक सर ने यहाँ पर बेहतरीन गेम बनाया था, गेम बताया था एंड इसी के साथ हम लोग जाएंगे एक और मैच के अंदर, तो वेट कीजिएगा गाइज, हम लोग गुस्से हैं एक और मैच के अंदर, तब तक के लिए आप लोग एंजॉय करो थोड़े से पीछे चल रहे म्यूजिक को एंड चिल आउट करो, तब तक के लिए मैं दूसरे मैच की तैयारी करता हूँ, आप भी तैयारी करो, मज़ा आएगा, रैंगल होने वाला है दूसरा मैच एंड देखते हैं कौन कौन से बंदे ज्वाइन करते हैं हमको, ठीक है। तो लेट्स वेट फॉर द नेक्स्ट गेम, टिल देन चलो हम लोग गाने शुरू करते हैं, है ना, एंड
करण थैंक यू फॉर द 20 रुपीज सुपर चैट, आई एम अप्रिशिएटेड। एंड जितने भी बंदे गाइस लाइव चैट में थे, चलो अब बात करते हैं हम लोग। मैं बात नहीं कर पाया था इन ड्यूरिंग द मैचेस, आई एम सॉरी अबाउट इट, बिकॉज मैचेस के टाइम पे अगर लाइव चैट देखूंगा तो मैच छोटी जाती है, फिर भी छूटती है, नहीं देखता हूँ फिर भी छूटती है कभी कभार, तो बिकॉज सिचुएशन इतनी हैक्टिक होती है कि सभी फाइट्स को देख पाना बिल्कुल इम्पॉसिबल सा हो जाता है, बट फिर भी हम लोग ट्राई करते हैं पूरा का पूरा। अगर मैं आपको दिखा पाऊँ तो पहले मैच में 2 बार एमिनेटर क्रैश हो चुका है, नाउ इट इज रिकॉर्ड 1v2 हो चुका है पहले मैच में। सो देखते हैं अब क्या होने वाला है। सो मैं सेकंड मैच के अंदर गुस्सा हूँ, तब तक के लिए आप लोग वेट कीजिए, है ना। जितने भी बंदे देख रहे हो स्ट्रीम को, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत करना। अगर आपने सब्सक्राइब करके तो स्ट्रीम को शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलना, एंड स्ट्रीम खत्म हो जाने के बाद कमेंट जरूर करना कि स्ट्रीम कैसी थी। एंड अगर वॉर जोन से जितने भी बंदे देख रहे हैं, अगर कास्टिंग अच्छी लग रही हो तो प्लीज मेक श्योर टू सब्सक्राइब माई चैनल एज वेल, दैट इज स्वैग स्टार गेमिंग, मजा आएगा। फिलहाल के लिए पहले मैच में तो सोल ने ज्वाइन नहीं किया है, आई थिंक सो यहाँ पर सोल का ज्वाइन कर पाना मुझे इम्पॉसिबल सा लग रहा है, बिकॉज उनका ऑलरेडी आई थिंक सो मैच तो नहीं, बट उनका ऑलरेडी स्ट्रीम चलने वाला था आई थिंक सो, पता नहीं मुझे लाइव आए कि नहीं आए, मुझे आइडिया नहीं है। मॉर्टल भाई यहाँ पर, मॉर्टल सर हमारे लाइव आए, यस यहाँ पर मॉर्टल सर लाइव आ चुके हैं एंड खेल रहे थे, सो इसीलिए यहाँ पर जो है पहले मैच के थ्रू तो यहाँ पर पहले मैच तो नहीं ज्वाइन कर पाए, आई थिंक सो सेकेंड
सो गाइस जितने भी बंदे स्ट्रीम को देख रहे हो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, जो भी बंदा सेकंड मैच से देखने वाला है स्ट्रीम को आप सभी का स्वागत है इस चैनल पे दैट इज वेक्सवर्ड गेमिंग एंड वॉरज़ोन। मैं दोनों चैनल पे लाइव कर रहा हूं साइमल्टेनियसली, एक साथ दोनों पे एक ही मैच है एंड मजा आ रही है। तो भाई सब लोग लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। एंड ममून खान सोल कहां गया है? सोल ऑलरेडी वो लोग अपने दूसरे मैचेस में चले गए, अपना मॉर्टल सर तो यहां पर सीओडी स्ट्रीम कर रहे, तो मतलब उनका आई थिंक सोल नहीं खेलने वाली। हेलो वो सोल इज देयर? नो, अभी के लिए तो सोल आई नहीं है, अगर आ गई तो मुझे कुछ आइडिया नहीं है। मुझे जो इन्फॉर्मेशन मिली है मैं वही डाला हूँ, मैं कुछ भी उल्टा नहीं कर रहा आपके साथ में भाई। मुझे जो इन्फॉर्मेशन आई थी कि सोल खेलने वाले तो मैं वो डाल के बैठा हूँ। फिर इलेक्ट्रॉनिक फैन सर थैंक यू सो मच मेरे भाई। सोल इज देयर? फिलहाल सोल नहीं है, मैं वही तो बोल आप मतलब मेरा जो रिप्लाई आपको थोड़ा सा लेट आएगा बिकॉज स्ट्रीम डिले से चल रहा है, तो यस वही है। 51 बंदों ने ऑलरेडी ज्वाइन कर दिया। पिछले मैच में आइकॉनिक सर ने क्या हीलिंग बैटल मारने की ट्राई की, बट यहाँ पर एलिमेंट की टीम को फायदा हो गया कि जोन के अंदर पहले से उनको हीलिंग एक भी यूज ही नहीं करनी पड़ी, एकदम लास्ट में जाकर शायद अगर एक आध दो यूज किए तो। कैसे हो सर भाई? यार एकदम बढ़िया भाई, बिल्कुल बढ़िया। एंड ये मैच होने वाला है रैंगल का, सेकेंड मैच इज गोइंग टू बी रैंगल। And I must see P7 की ओर से आते हुए P7 से वेम्पी एट क्लास एंड शाउटी। फिर आती है अरेबिक की स्क्वाड जहां पर बादशाह करण रॉन अगेंस्ट स्पाइक। फिर आती है सेल्स की टीम जहां पर MJS गेमर रॉक्स एंड रेड। एलिमेंट की टीम से यहां पर जेसन अल्ट्रॉन प्रिंस एंड खलनायक। MM की टीम से यहां पर क्लोक एंड डीलीव। IM की टीम से यहां पर जरा रूम व्हाट माइटी एंड स्लेड। विराध्या पावरहाउस की टीम जहां पर है डार्क ज़ीब्रा आइकॉनिक एंड बॉम्बर। आयंस की टीम से यहां पर स्कॉट पाब्लो किंग 407 एंड अलादीन। फिर आती है टीम चिनो साइड जहां पर क्रिटिक डीडी एक्सक्यूएफ फीन एंड मैक्स एक्सप्लिसिट। फिर आती है लेक्सकम की स्क्वाड जहां पर है ओमेगा आर्टेमिस इग्नाइट लूजर वो गो। फिर आती है एलक्राफ्ट की टीम जहां पर है नू पार्टी क्लाउनी ज़ूम बूम एंड एक्सोटिक। फिर आती है गॉड्स की टीम जहां पर है विशियस मनु मेजर अल्फा एंड राहुल। फिर आती है सिनर्जी की टीम जहां पर है ऑसिनेक्स इट्स के टेड एंड सीरवी। रिवेंज की स्क्वाड से यहां पर परफेक्ट फाइनल बॉस रेयर एंड सोनिक फॉक्स। फिर आती है टीम आईएनडी जहां पर है ट्रांस क्रेटोस एंड स्नैक्स एंड स्लेयर। बस इतने बंदों ने फिलहाल के लिए ज्वाइन किया, तो मैच भी शुरू हो चुका है। दिक्कत वाली बात कुछ भी नहीं है, मैच शुरू हो चुका है। तो गाइस चलिए शुरू करते हैं इस मैच को एंड गाने को पॉज मारकर हम लोग शुरू करेंगे इस मैचेस को एंड आप सभी को मजा आएगा। एक और मैच सेकंड मैच शुरू हो चुका है, गेम को शुरू कर दिया गया है। एंड गाइस मेरे 20,000 सब्स होने में काफ़ी क्लोज है, तो गाइस मेक श्योर आपने मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दिया। वॉर जोन से जितने ही बंदे देख रहे हो अगर कास्टिंग अच्छी लग रही है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। वी आर वेरी क्लोज टू क्या बोलते हैं उसको 20K, तो हो जाएगा तो मज़ा आ जाएगी। ओपी फैम बन जाएगा 20K का। एंड यहाँ पर सेकेंड मैच एरेंगल का एंड 60 बंदे ज्वाइन करे हैं इस मैच को। सोल की टीम फिर से ज्वाइन नहीं कर पाई है एंड आई थिंक सो दे वोंट बी ज्वाइनिंग एज ऑफ नाउ फॉर टुडे। यस मुझे यही लग रहा है, बट देखते रहते क्या होने वाला है। ब्रो स्टार्ट मैच, यस चालू कर दिया। एक्सीड लिमिट भाई मेरे हाथ में नहीं है ना, मैं तो कास्टिंग कर रहा हूँ, जो रूम बना रहा है उसके हाथ में है, मेरे हाथ में नहीं है ये। चलो भाई लोग, तो भाई प्लेन उठ चुका है, कहां से कहां तक दिखते है। ओ भाई साहब प्लेन उठ चुका है, मेरे को नहीं बुलाया, तो प्लेन उठ चुका है स्ट्रेट फ्रॉम मिल्टा पावर से लेकर जाता हुआ प्रेमोर्स तक। एंड यहां पर हम लोग स्पेक्टेट करेंगे बंदे को। एंड यहां पर फ्लाइट पाथ तो दिख गया बट प्लेन किसने उड़ा था ये हमको पता नहीं चला। फ्लाइट पाथ की बातें करें तो नो रिप्लाई, मिल्टा पावर के बीचों बीच से निकलता हुआ सीधा जाएगा प्रीमोर्स की ओर। टीम आईएनडी तो है यहाँ पर एज यूजुअल 100 लोगों का मिलिट्री बेस उतरेंगी, बाकी की टीम जो है यहाँ पर पोचिन की और जॉर्जो की साइड जा सकती है गाड़ियाँ लेकर निकलना चाहेगी तो। एंड फिलहाल के लिए जो है आई थिंक सो यहाँ पर शेल्टर और प्रिजन या तो फिर मिल्टा पावर की ओर आई थिंक सो तीन टीमें उतरने वाली है। प्रिजन को प्रायोरिटी दी जा सकती है, फिलहाल के लिए दो टीम वहाँ पर जा सकती है। टीम आईएनडी तो यस यहाँ पर जो है 100 लोगों का मिलिट्री बेस ही उतरेगी। MYM की टीम जो यहाँ पर जो है फार्म से गाड़ियाँ लेकर जा सकती है पोचिंगी की ओर एंड देखते हैं क्या होने वाला है। आरबी की स्क्वाड यहाँ पर जो है फार्म की ओर प्रवेश थोड़ा सा कर ली थी बट यहाँ पर शेल्टर की ओर वापस से निकल गई, सो अब हमको देखना पड़ेगा। तो नोवा रेपनॉय पे ऑलरेडी एक टीम आ चुकी है, दैट इज LS की टीम जहाँ पर इग्नाइट लूजर ओमेगा बोब डोब एंड आर्टेमिस यहाँ पर
चार बंदे लेग स्टंप्स के आ चुके हैं, सो एंड नो वन के पास में पूरा का पूरा खाली है, आराम से लूट मचाएंगे बिकॉज इनको कंपनी देने के लिए कोई भी टीम नहीं आई अभी तक। एंड वहाँ पर हम लोग बात करें टीम आई एंड डी के, तो यहाँ पर जो है क्रैटोस थोड़े से दूर उतरे अपनी टीम से, पता नहीं क्या, अगर आई थिंक सो गाड़ी वाड़ी लेना चाहेंगे, यस गाड़ी उठाने आए थे सबसे पहले, यस यहाँ पर गाड़ी लेकर जाना चाहेंगे ट्रांस को लेकर, तो यहाँ पर जो है ट्रांस भी कहाँ पर है, ट्रांस कहाँ पर है, ट्रांस यहाँ पर मिलिट्री स्टेशन पहुँच चुके हैं, स्नैक्स यहाँ पर जो है मिलिट्री स्टेशन ऑलरेडी है, स्लेयर यहाँ पर है मिलिट्री स्टेशन, सो यहाँ पर चारों के तीनों के तीनों बंदे यहाँ पर फिलहाल के लिए तो मिलिट्री स्टेशन के ऊपर है। एंड क्रैटोस यहाँ पर गाड़ी चलाकर आते हुए होंगे इनके पास बिकॉज लूट करनी पड़ेगी। एंड यहाँ पर उनको पूरा का पूरा मिलिट्री बेस मिल चुका है, जोन का अभी तक कुछ प्रेडिक्शन आया ही नहीं है, या तो आ गया है तो मेरे को इधर देख नहीं रहा, गेम ग्लिच हो चुकी है। ओके सो जोन बन चुका है यस्नाया पोलियाना के पास में, यहाँ पर फायदा किसको होता है देखना पड़ेगा। यहाँ पर एलिमेंट के खलनायक भाई थोड़े से क्लोज में थे M1 क्लोक के, देखते हैं क्या यहाँ पर होगा, कितना बोलता है भाई, बस यही मजा आता है बोलने में, तो बोलते रहते हैं हम लोग। एलिमेंट के खलनायक सेल जल्ट्रॉन आई डिफरेंस एंड जेसन यहाँ पर जो चारों के चारों बंदे फिलहाल के लिए दिक्कत वाली सिचुएशन में बिल्कुल भी नहीं है। M1 के क्लोक जो है थोड़े से नहीं काफी ज्यादा दूर है इनसे, काफी यस बहुत ही दूर है। एंड यहाँ पर आयन ज़ेरेफ ने एसजी के ऑस्टिनेक्स को आने के साथ ही फाइट ले भी लिए, ऑस्टिनेक्स को हम लोग देखना चाहेंगे तो ऑस्टिनेक्स यहाँ पर नॉक्ड आउट पड़े, ज़ेरेफ ने यहाँ पर जो है एट्सकेके को भी डाउन कर दिया। एंड यहाँ पर जो है सीरवी को केयरफुल रहना होगा बिकॉज इनके आजू बाजू में ही प्लेयर थे, इनके जो टीममेट्स है उनको पूरी की पूरी तरह फिनिश ऑफ किया गया बाय आयन ज़ेरेफ। यहाँ पर जो आई थिंक सो लूट की कमी रह गई थी सिनर्जी की टीम के पास। एंड यहाँ पर जो है ज़ेरेफ सीरवी को स्पॉट कर दिया गया है, सीरवी यहाँ पर जो है अपने आप को बचाना चाहेंगे, अगर यहाँ पर थ्रोएबल्स एक भी आता है या तो मॉली या तो ग्रेनेड तो यहाँ पर सीरवी का गेम हो सकता है। एंड यहाँ पर हल्का सा रोटेशन देकर घर के अंदर घुसेंगे बिकॉज यहाँ पर प्लेयर को कन्फ्यूज़ करना चाहते हैं, सीरवी को कन्फ्यूज़ करना चाहते हैं। सीरवी के पास है फिलहाल के लिए सुपर यूजी जहाँ पर रेड डॉट चलेगी, एंड यहाँ पर उन्होंने हैरी पॉटर वाली हेड पहन के बैठी है जहाँ पर इनको ग्रिफिंडोर या तो स्लिथरिन दो में से एक में डाला जाएगा जहाँ पर इनकी इच्छा होगी, तो बस अब देखते हैं क्या होगा बिकॉज ऑलरेडी दो बंदों को उन्होंने लॉस कर दिया है। एंड यहाँ पर जो पीछे की ओर से सोल स्पाइक दिख रहा है हमको कहीं पर तो घूम रहे हैं। एंड सीरवी आई थिंक अकेले बचा है, एंड आई थिंक यहाँ पर उनका पूरा का पूरा गेम हो सकता है, फिनिश ऑफ भी किए जाएंगे बिकॉज अकेले बंदे बचे हैं। एंड यहाँ पर उनकी टीम से यहाँ पर टेड आ चुके हैं, टेड के पास लूट के नाम पर खाली एक गन है, दैट इज AKM1 एक पिस्तौल है फिलहाल, हीलिंग के नाम पर तो इनके पास है 5 बैंडेजेस एंड 1 रेड बुल, तो देखते क्या होने वाला है। हेलमेट बिल्कुल भी नहीं इनके पास में, ज़ेरेफ को देखा, ज़ेरेफ बिल्कुल उनके घर के नीचे बैठा है। एंड ज़ेरेफ के पास लूट तो है, थॉम्सन इनके पास एक बैंडेज है, लेवल 2 का वेस्ट है, लेवल 1 का हेलमेट है, सो इनको डैमेज काफ़ी लेट होगा, एंड लेट होगा भी तो उनको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा उतना खास, बट यहाँ पर सीरवी के पास में कुछ था नहीं। एंड सीरवी जो है नीचे कूद चुका है, अरे भाई चला जा, सीरवी यहाँ पर जो है घर के बाहर कूद चुके हैं, यहाँ पर जो कवर फायर देने की ट्राई कर रहे हैं, यहाँ पर सीरवी वापस स्पॉट हो चुके हैं, सीरवी को हेल्थ डैमेज आता हुआ एंड यहाँ पर नॉक कर दिया गया, बचे खाली टेड, यहाँ पर टेड नॉक कर पाते कि नहीं कर पाते, थर्ड पार्टी करना चाह रहे थे IM की टीम से, यहाँ पर अगर कोई थर्ड पार्टी हो जाए तो मजा आ जाएगा बिकॉज सिनर्जी के यहाँ पर तीन बंदे ऑलरेडी इस गेम के बाहर हो चुके हैं, सारे के सारे बंदे IM की टीम के द्वारा एलिमिनेट किए गए थे इस गेम से, सो देखना पड़ेगा। इस सोल टीम देर नहीं, सोल नहीं, दे कुड नॉट ज्वाइन। एंड यहाँ पर आयन स्लेड ने स्पॉट कर लिया, स्लेड को नॉक करने की ट्राई करनी चाहिए, बट यहाँ पर टेड का गेम हो सकता है बिकॉज स्लेड एंड यहाँ पर ज़ेरेफ के साइड से यहाँ पर दोनों तरफ से यहाँ पर स्पॉट कर लिया गया, सो टेड का गेम थोड़ा सा हो सकता है बिकॉज जिस एंगल पे बैठा है वहाँ पर ऑलरेडी बंदे आ सकते हैं। यहाँ पर NUST के रौनक भाई आ चुके बाजू से निकल गए, एंड यहाँ पर टेड को पूरी पूरी तरह से फिनिश ऑफ किया गया। एंड पीछे की ओर से जो है RIP की स्क्वाड आ चुकी है, यहाँ पर गाड़ियाँ लेकर सीधा का सीधा रश ऑन करती हुई IMP टीम के पास, क्या यहाँ पर रश कर लेती है, यस बिल्कुल बाजू के घरों में आ चुके हैं। NST रौनक ने यहाँ पर IM स्लेड को डाउन कर दिया है, स्लेड यहाँ पर इधर नहीं पर फिनिश ऑफ किया जाता है, बहुत तगड़ा RIP की स्क्वाड यहाँ पर बहुत तगड़ा गेम कर दिया, यहाँ पर बंदे नॉकड है इनके, देखने वाली बात है क्या होने वाला है बिकॉज यहाँ पर बादशाह ने ज़ेरेफ को पूरी तरह फिनिश ऑफ कर दिया, माइटी यहाँ पर नॉकडाउन पड़े, तो भाई बचे खाली ओयोरूम, तो ओयोरूम है कहाँ पर, तो भाई साहब ये तो अपने एक अलग ही गेम खेल रहा है, बिल्कुल दूर है अपनी टीम से, अब तो भाई ये तो अलग ही जा रहे कहीं पे। एंड वापस हम लोग देखे तो आइकॉनिक नहीं यहाँ पर हम लोग देखते हैं, तो यहाँ पर गाड़ी लेकर फिलहाल के लिए ये लोग अभी भी घूम रहे हैं लूट के लिए, एंड लूटेंगे तो लूट की जरूरत पड़ने वाली, तो लूटना तो पड़ेगा इनको। एंड यहाँ पर जो ऊपर की तरफ खलनायक, दैट इज एलिमेंट के खलनायक भाई की टीम के यहाँ पर फाइट चलती हुई,
बगी के पास बिल्कुल प्रोन बैठा है, इनकी बगी के व्हील्स को वोट देगा आई थिंक सो। यहाँ पर पावर हाउस के स्क्वाड ने खलनायक को स्पॉट कर लिया था। वापस से मैं अगर जाके देखूँ जेसन को, तो जेसन भी यहाँ पर जो है पत्थरों के थोड़े से पीछे की ओर खेलते हुए एंड आई थिंक यहाँ पर स्पॉट कर रहे हैं अगर पावर हाउस का दूसरा कोई बंदा उनको मिल जाए तो। एंड खलनायक जो है यहाँ पर स्मोक वॉल्स के थ्रू बनाना चाहेंगे, सीधा का सीधा अंडरग्राउंड होना चाहेंगे उसके थ्रू, बिकॉज वहाँ पर उनको लूट करनी है। इनके पास फिलहाल के लूट के नाम पर खाली दो शॉटगन्स है एंड शॉटगन्स के दम पर लॉन्ग रेंज फाइट तो बिल्कुल भी नहीं लेना चाहेंगे, बिकॉज एआर के सामने शॉटगन्स एट दी लॉन्ग रेंज इज मतलब गन ना लेने के बराबर हो जाता है कभी कभार। एंड पावर हाउस की टीम जो है ज़ेब्रा वहाँ पर ऑलरेडी एक गुफा के अंदर बैठा है, इसी को यहाँ पर पावर हाउस का एक बंदा नीचे की ओर चला भी जाता है तो यहाँ पर गेम हो सकता है। वापस से पावर हाउस की टीम रोटेशन देंगी कि नहीं देंगी इसका पता नहीं हमको। यस यहाँ पर जो है दे सकती है बट नहीं पता। मेजर अल्फा ने यहाँ पर जो है नॉक कर दिया है बंदे को एंड यहाँ पर आईटी प्रिंस जो है निकल चुके हैं गाड़ी लेकर अपनी एंड यहाँ पर जो है इनकी गाड़ी के ऊपर डैमेज आता हुआ शेल्टर के मेन गेट के पास रुकते हुए। मेन गेट सारे के सारे मेन गेट ही फिलहाल के लिए, तो मेन गेट के मेन गेट ही रहेंगे एंड अब देखते हैं क्या होता है। यहाँ पर जो है ज़ेब्रा स्पॉट करके बैठे आईटी प्रिंस को, आईटी प्रिंस यहाँ पर गाड़ी लेकर जाते हुए हमको इसी के साथ यहाँ पर जो है P7 की टीम, यहाँ पर दो बंदे बचे इनके, सेल्स एमजे ने यहाँ पर PH के ज़ेब्रा को डाउन कर दिया, डार्को ने यहाँ पर सेल्स रेड को। यहाँ पर फाइट किसके साथ कर रहे हैं तुम लोग? मैं जब दिखाता हूँ तब तुम फाइट नहीं करते हो और जब नहीं दिखाता तुम फाइट करते हो। पावर हाउस आइकॉनिक सर क्या मतलब दुश्मनी हो गई मेरे से। एंड यहाँ पर जो है रेड को रिवाइव मिल चुका है एंड यहाँ पर जो है काफ़ी ज़्यादा कवर में रिवाइव कर रहे हैं अपने आप को, बिल्कुल भी कोई भी एंगल से मार नहीं खाना चाहेंगे। एंड यहाँ पर पावर हाउस की स्क्वाड को थोड़ा सा ध्यान रखना होगा बिकॉज पीछे की तरफ MYM की स्क्वाड पूरी की पूरी आ चुकी है। हेलो चैट, हेलो फिलहाल जो है पावर हाउस की पूरी स्क्वाड में से दो बंदे दैट इज आइकॉनिक एंड बॉम्बर यहाँ पर जो एक ओके पूरी स्क्वाड ही आ चुकी है, पूरी स्क्वाड ने रोटेशन दे दिया एंड यहाँ पर जोन शिफ्टिंग हो चुका है। यहाँ पर वापस से गॉड्स रेन की टीम की फाइट होने वाली है P7 के सामने। P7 के वैम भी यहाँ पर जो है प्रोन गेम खेलते हुए जाना चाहते हैं गॉड्स रेन की टीम के पास रोटेशन देकर। यस यहाँ पर उनका रोटेशन सक्सेसफुल हो सकता है बिकॉज यहाँ पर स्पॉट नहीं किया है उनको किसी ने एंड मनु जो है गाड़ी लेकर वहाँ से निकल चुके हैं। अब वैम्पी को बिल्कुल संभाल कर घेरना होगा एंड शाउटी को, बिकॉज अगर ये दोनों बंदे इधर डट जाते हैं तो यहाँ पर जो है गॉड्स रेन की टीम का पूरा गेम अलग ही लेवल पे ले जा सकता है, मतलब पूरे का पूरा स्क्वाड वाइप आउट करवा सकता है। बट यहाँ पर जो है गाड़ी है गॉड्स रेन की टीम के पास एंड यहाँ पर गाड़ी लेकर निकल जाएंगे। बगी तो है बट बगी से क्या कर पाते हैं, यहाँ पर शाउटी के सामने से निकल गए शाउटी ने इनको स्क्वाड करने, शाउटी यहाँ पर एक स्प्रे देते हुए एंड यहाँ पर मेजर अल्फा नॉकआउट होते हुए। गॉड क्राउड की टेक्निक कुछ ज्यादा असरकारक नहीं हो पाई बट देखते क्या होने वाला है। गाउड यहाँ पर अपने आप को लॉस करवा के बैठे हैं, यहाँ पर जो है शाउटी को रिवाइव करना पड़ेगा। गॉड्स रेन की टीम से दो ही बंदे, मतलब एक ही बंदा अभी ऑन फुट है बिकॉज एक बंदे को नॉक कर देगा था, अभी दोनों के दोनों बंदे यहाँ पर जो है। ओ भाई साहब शाउटी के ऊपर यहाँ पर ग्रेनेड गया है क्या, फिर स्मोक गया है, स्मोक या फिर ग्रेनेड, अच्छा स्मोक था यहाँ पर, ग्रेनेड दिखा मेरे को। एंड वापस से देखे तो यहाँ पर गॉड्स मनु ने P7 के शाउटी को पूरा का पूरा फिनिश ऑफ कर दिया है। वैम्पी के पास सीधा जाएंगे, वैम्पी को स्पॉट कर लगे, वैम्पी यहाँ पर रोटेशन देते हुए दोनों बंदे सर्कुलर रोटेशन एक के बाद अलग अलग रोटेशन। यहाँ पर मेजर अल्फा को स्पॉट करते कि नहीं करते देखना होगा एंड यहाँ पर जोन डैमेज शुरू हो जाएगा एंड आई थिंक यहाँ पर सेकेंड जोन है सो बहुत काटने वाला है, गंदा वाला नाखून की तरह काटना पड़ेगा इस जोन को। एंड फिलहाल ये लोग बगी उठाकर निकलना चाहेंगे, वैम्पी को आई थिंक इस बात का थोड़ा सा फायदा उठा लेना था बट यहाँ पर जो है देखते हैं इनका क्या रहने वाला है गेम, बिकॉज हीलिंग्स लेनी पड़ेगी एंड मेजर अल्फा जो है यहाँ पर हेल्थ लॉस ऑलरेडी शुरू कर दिया है। यस दोनों बंदे ने यहाँ पर हेल्थ लूजिंग शुरू कर दिया है। आई नाइट बट कैन यू टेल मी वेरी सोल सोल आई डोंट नो ब्रो सोल पता नहीं, नहीं आई नहीं दे वुडंट बी एबल मतलब नहीं ज्वाइन कर पाई पता नहीं क्या हुआ उनको। एंड ये सेकंड मैच चल रहा है दैट इज मीरा मार्का एंड यहाँ पर जो है मेन जोन के अंदर आ चुका है एनएस के पाब्लो आई थिंक सो यहाँ पर सैंडविच हो चुका है बट यहाँ पर हमारी गेम एज यूजुअल कोरोना वायरस वापस से लगता हुआ, ये गेम नहीं है ये पूरा का पूरा वायरस है। सो यहाँ पर कोरोना वायरस वापस से इस मैच में पहली बार लगा हुआ है सो पूरी स्ट्रीम में ये तीसरी बार गेम क्रैश होता हुआ।
ये पबजी वाले अपडेट देते ही क्यों, मेरे को बताओ। हेलो पबजी इंडिया, पबजी ऑफिशियल, सॉरी पबजी मोबाइल ऑफिशियल, व्हाई यू गिव अपडेट्स विच लीड्स टू क्रैशिंग ऑफ द गेम इन बिटवीन? ये मेरे को नहीं समझ आ रहा आपका। एंड देखते हैं क्या ज्वाइन कर पाते हैं, क्या ज्वाइन कर पाए तो काफी सही रहेगा, बिकॉज सेकंड मैच बिल्कुल एंड होने के कगार पे थी। बस 100-200 ज्यादा ले ले, ज्वाइन करवा दे मैचेस को, ज्वाइन 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 करवा दे। यस यहां पर टीम आंटी को, अबे मजी की बहुत सीढ़ी के मादर चोद बहन के लोड़े के बंदे पे घुस रहा था, टूट गई मां तेरी। ओ भाई ओ भाई ओ भाई, कहता है टॉक्सिक लाइव चैट, यू कैन हियर योर फेवरेट टीममेट्स टॉकिंग विद ईच अदर, कहता है टॉक्सिक चैट चल रहे हैं इनके बीच में। गाइस ये मैंने नहीं बोला था, ये इन्होंने बोला है, तो मेरे ऊपर ना ब्लेम डाला जाइए। आई माजी को बहुत ही भारी वाली गाली पड़ रही थी कहीं से तो। एंड यहाँ पर जो है फाइट शुरू हो चुकी है एयर ड्रॉप के पास में, एयर ड्रॉप के पास ऑलरेडी टीम पहुंच चुकी है। भाई ये वापस सिपक, भाई ये गेम बनाते क्यों जब संभाल नहीं सकते? क्या गेम है यार ये, 35 सेकंड नहीं हुआ है भाई इस गेम को वापस से शुरू हुआ है एंड वापस से क्रैश, मतलब क्यों क्यों भाई क्यों, पबजी क्यों करते हो ये गेम चालू तुम लोग? 35 सेकंड नहीं हुए थे इस गेम को मैंने शुरू किया हुआ, वापस से क्रैश। मोबाइल में देखो तो भी क्रैश, एमुलेटर से देखो तो भी क्रैश, तो हम लोग देखे किस में, पीएसपी में। गाइस सॉरी ये टेक्निकल इश्यूज है, मैं इसमें कुछ भी नहीं कर सकता, इसमें सच में मैं इसमें कोई हेल्प नहीं कर सकता। एंड ये गेम भी चिपक ही गया देखो भाई, काहे काहे बनाते हो गेम जब नहीं संभाला जाता। वो चालू हुआ, चलो वापस से भाई गेम ज्वाइन करवा दे, बस गेम ज्वाइन करवा लो बस। ले भाई चलो हो गया अपना गेम, नो रिस्पॉन्स फ्रॉम सर्वर, क्यों भाई इंटरनेट इतना मस्त चल रहा है मक्खन वाला। वापस से टीम आईएनडी के ऊपर जाके अटकती है गाड़ी, यहाँ पर पोचिन की में आ चुकी है टीम आईएनडी पूरी की पूरी, क्रेटोस ट्रांस नेक्स एंड स्लेयर, चारों के चारों बंदे स्टिल ऑन फुट। एंड यहाँ पर गाड़ी, भाई ये गाड़ी को क्या हो गया था अभी? एंड ट्रांस भाई के जलवे देखो, गाड़ी को कहाँ पर अटका दिया था, ये नहीं चलेगी ये नहीं चलेगी। आयन ओ भाई ठोक के उड़ा दिया, मतलब ये काफी सही था। यहाँ पर आयन के अलादी ने एलक्राफ्ट के क्लाउनी को डाउन कर दिया, एंड हम लोग ट्राई करेंगे अगर उनको देख पाते हैं तो, बिकॉज ये गेम अब मैं खुलने पर ग्लिच आउट हो रहा है, तो मैं क्लाउनी को देखता हूँ एक और बार। क्लाउनी यहाँ पर जो है नॉकआउट पड़े इनकी टीम से, जूम बूम एंड एक्सोटिक दो ही बंदे बचे हुए, एक्सोटिक यहाँ पर जो है नॉकआउट करते हुए आईएनएस के, एक्सोटिक रैंडम स्प्रे देते हुए ऑन द स्पॉट यहाँ पर एक्सोटिक पाबलो को डाउन कर दिया था उसी चक्कर में। वापिस से देखते हैं क्या होने वाला है, बिकॉज किंग आई थिंक किंग ऑफ सेवन दो बंदे को पूरा का पूरा फिनिश ऑफ कर सकते हैं। एलक्राफ्ट के एक्सोटिक यहाँ पर रेस्ट लेने लगे, यहाँ पर पूरे के पूरे दो बंदे वाइप आउट कर दिया इन्होंने। यहाँ पर जो है भाई साहब आयनस का एक और बंदा बचा हुआ था, एंड यहाँ पर आयनस की पूरी स्क्वाड को एलक्राफ्ट के एक्सोटिक ने सिंगल हैंडेडली वाइप आउट कर दिया। एंड एमवाईएम के क्लोक ने यहाँ पर क्राउनी का किल चुरा लिया भाई, ये बड़ा तगड़ा था। मतलब देख के ही मजा आ गया, क्या ही कहीं पे ग्रेनेड चल रहा था, कहीं से क्या ही फाइट चल रही थी आईएनएस के सामने और ग्रेनेड फेंक देते हैं भाई, थर्ड पार्टी ग्रेनेड ऐसा कब से होने वाला, रिवेंज के परफेक्ट नहीं। यहाँ पर जो है पट से दे दिया हेडशॉट, एंड वापस हम लोग जाना चाहेंगे रिवेंज की स्क्वाड के पास। तो रिवेंज की स्क्वाड यहाँ पर कहाँ पर है भाई? रिवेंज की स्क्वाड जोन के अंदर मेकिंग कर ली तो दिख क्यों नहीं रही? वो
भाई क्या हो गया, टीम क्यों नहीं दिख रही? रुको गाइस, ये थोड़ा सा गेम हो चुका है, या तो बंदे दिख नहीं रहे ऑन द मैप। यस ऑन द मैप बंदे दिखे नहीं। टीम 12 के बाजू में है, टीम 12 कहां पर है? ओके, सो यहां पर फाइनल बॉस ने उनका कवर रखे रखा था। सो यहां पर सेल्स की टीम इनके सामने आ चुकी है। पीछे की तरफ है लेक्सब्स की टीम, जहां पर बोब डोप एंड आर्टेमिस एंड ओमेगा एंड लूजर, इग्नाइट लूजर, चार बंदे एलक्राफ्ट के लेक्सटम्स के पीछे की ओर रिवेंज की स्क्वाड के ऊपर निशाना लगा के बैठे। आर्टेमिस के पास यहां पर जो आई थिंक सो 3x है, 3x है शायद से। अरे आर्टेमिस सर एक जगह रुक जाओ, देखना है हमको। यस 3x है इनके पास में। एंड यहां पर जो है पट्टस हेडशॉट और एक चलता है। क्या यहां पर बोब डोप स्नाइपर चला रहे? यस यहां पर कार 90 इनके पास एंड रिवेंज के बंदों को उसी के साथ यहां पर एटैक्स के थ्रू उन्होंने नॉकआउट किया था। सो देखते हैं ब्रो, यू शुड ऐड फेस कैम आल्सो। कास्टिंग में नहीं करता, वैसे करता हूँ फेस कैम, तो मजा आता है। मतलब लाइटिंग या फिर वही झंझट बहुत है फेस कैम का, तो इसलिए मैं करता नहीं ज्यादा, कास्टिंग के टाइम पे नहीं करता। यहाँ पर आटे में जो है निशाना डाके बैठे प्रिवेंस की टीम। यहाँ पर जो आई थिंक यहाँ पर फाइट तो नहीं चलने वाली फिलहाल के लिए, अगर चलती है पर चलो इनको ही देख लेते हैं फिलहाल, बिकॉज फाइट तो मेरे को नहीं लग रही होने वाली। बट एमवाईएम की टीम जो यहाँ पर क्लोज इन कर देती हुई, यस यहाँ पर जो एमवाईएम की टीम यहाँ पर फाइट ले सकती है। जोन वापस से नया बनता हुआ शेल्टर एंड प्रिजन के पास में, एंड यहाँ पर जो है सेल्स की टीम आ सकती है रिवेंज की टीम के पास। एंड रिवेंज की टीम को अब केयरफुल रहना होगा, बिकॉज यहाँ पर अब जो है टीम्स का असेंबल होने वाला, असेंबल होना शुरू हो जाएगा। अब देखते हैं क्या होने वाला है। सेल्स की टीम पीछे की तरफ आ चुकी है पूरी की पूरी। एंड यहाँ पर जो है 7S की टीम, रिवेंज की टीम जो है पूरी की पूरी यहाँ पर रोक के बैठी है इस कंपाउंड को। सेल्स की टीम यहाँ पर रोटेशन देती हुई जहाँ पर भी जाएगी, ऑलरेडी आई थिंक यहाँ पर बंदे होने वाले हैं। सेल्स की टीम को अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर जा रहे, आई थिंक तो यहाँ पर यस बंदों ने वो जोन मतलब वो जगह ही छोड़ दी, तो कोई भी दिक्कत नहीं हुई इनको। नहीं नहीं ऐसा नहीं होता, ऐसे नहीं होता। एलिमेंट लेक्सटम्स की टीम के पास जा रहे हैं भाई सेल्स के रॉक्स पर। एंड यहाँ पर क्लैश होता हुआ एलिमेंट्स का एंड सेल्स का। एंड यहाँ पर लेक्सटम्स के ओमेगा डाउन हो चुके हैं। ओके सो लेक्सटम्स के बंदे गए थे। एंड यहाँ पर आमने सामने फाइट होती हुई एलिमेंट की विद लेक्सटम्स। एंड यहाँ पर जो है पेड़ के पीछे थोड़ा सा रुकना पड़ा, खलनायक अकेले बचे। एंड यहाँ पर यहाँ पर जो एलिमेंट के खलनायक गेम के बाहर, एलिमेंट की पूरी स्क्वाड जो है गेम के बाहर निकलती हुई। एंड अब यहाँ पर एमवाईएम की टीम को ऊपर की ओर आ जाना चाहिए, बिकॉज नीचे की तरफ जो है फाइट नहीं हो रही, तो ऊपर की ओर जो फाइट फ्रेश एंड फ्रेश हुई थी उनको आकर फिनिश ऑफ कर देना चाहिए। एंड क्रेटोस ने यहाँ पर जो एक किल निकाला, कहाँ पर निकाला पता नहीं, बट निकाला क्रेटोस ने। यहाँ पर स्नैक्स यूएसई चलाते हुए वापस रोक दिया है फिलहाल के लिए एरिया को, अच्छे से देख रहे हैं कि कहाँ पर कौन से बंदे हो सकते हैं। एक और एयर ड्रॉप आ चुका है, एंड इस ड्रॉप के अंदर क्या है हम लोग देख पाए तो अच्छा रहेगा। इसके अंदर है एजी विथ लेवल 3 सम एवरीथिंग, मतलब लेवल 3 पूरा का पूरा। एंड आई थिंक यहाँ पर एमवाईएम की स्क्वाड के पास चांस है, बट यहाँ पर स्पॉट कर लिया एक टीम को। ये चिपकूलाल वापस से चिपक गया, इस गेम का कुछ नहीं हो सकता गाइस, हम क्या करें। मैं पूरी की पूरी ट्राई कर रहा हूँ बट ये गेम चिपक रहा है। ओ भाई क्यों बनाते हो पबजी गेम? आई थिंक सो मेरा भी लास्ट मैच हो सकता है, बिकॉज गेम काफी क्रैश हो रहा है। दे भाई वापस चिपक गया भाई, क्यों बनाते हो पबजी वालों गेम? चलो खुली गेम, खुली गेम, खुली भाई साहब ये गेम है कि क्या है? और गाइस इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, बिकॉज ये गेम मैंने बनाई नहीं है, तो मेरे ऊपर ब्लेम मत डालना कि ढंग से कुछ नहीं कर रहे हो। यहाँ पर गेम की गलती हो रही है, बाकी सारी गेम्स परफेक्टली चलती है, इसी गेम में बांधे हैं सारे के सारे। सो अब देखते हैं क्या होता है।
क्या हम वापस से ज्वाइन कर पाते? एंड नो सर रिस्पॉन्स फ्रॉम द सर्वर. क्यों भाई नेट इतना अच्छा चल रहा है मेरा? लेट्स सी. भाई ये गेम आई थिंक सो वापस से चिपका ये गेम. अरे आ गया भाई. इग्नाइट लूजर ने यहां पर सेल्स गेम जेड को डाउन, एमजे को डाउन कर दिया. एंड स्लेयर ने यहां पर गॉड्स के मनु को डाउन कर दिया. एंड यहां पर इसी के साथ हम लोग को भाई मैच में ले जाओ. यहां पर हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग को मैच देखनी है, मैच में जाना दो. चिपक गए फिर से भाई. क्या हो गया इस गेम को? सो रिवेंज की टीम आई थिंक सो यहाँ पर जोन के अंदर क्लोज इन करना चाह रही, पहुंच चुकी है. ड्रॉप लूट रही थी एंड ड्रॉप के बाजू से निकली, या तो ड्रॉप लूट रही थी या तो ड्रॉप के बिल्कुल बाजू से निकल गई. सो अब देखना होगा क्या होने वाला है. एंड फिलहाल के लिए मैं देखूँ तो जोन जो है फाइनल वाला बनता हुआ शेल्टर के बाजू में, शेल्टर एंड प्रिजन के बीचों बीच, प्रिजन के सेंटर टॉप सेंटर साइड पे. एंड यहाँ पर MYM की टीम के पास मैं आ चुकी. RIP की पूरी स्क्वाड बिल्कुल बाजू की, और LS की टीम बिल्कुल इनके सामने आ चुकी है रिवेंज के. एंड यहाँ पर फाइनल बॉस ने इनको स्पॉट कर लिया. परफेक्ट यहाँ पर जो है रोटेशन दे बैठा है. आई थिंक यहाँ पर ओमेगा स्पॉट हो जा सकता है. एंड यहाँ पर परफेक्ट इनको नॉक आउट करके फिनिश ऑफ भी कर सकते हैं. DP की स्किन काफ़ी मस्त है ओमेगा सर की. एंड यहाँ पर हम लोग इग्नाइट लूजर को देखे तो कार 98 विद 8x अभी भी ऑन है इनका, बिल्कुल दिक्कत नहीं है इनको. एंड स्पॉट करके बैठे है रिवेंज के सोनिक फॉक्स को. यहाँ पर शॉट्स लगाने की ट्राई की, यहाँ पर M416X चलाने की ट्राई की, बट यहाँ पर बुलेट एक भी कनेक्ट नहीं हो पा रही बिकॉज बंदा वहाँ पर था ही नहीं. सो देखते हैं अब क्या होता है, बिकॉज ये छोटा सा एरिया है जहाँ पर सारी की सारी टीम असेंबल हो रही है धीरे के धीरे. एंड नीचे की ओर जो MYM की टीम अभी तक ऊपर की ओर आई नहीं है. एंड जो यहाँ पर जो है लेक्सम्स की टीम ऑलरेडी उसी जगह को रोके बैठी है. रिवेंज की स्क्वाड यहाँ पर आ चुकी है. सेल्स की टीम ऑलरेडी उस ड्रॉप को लूटने आ चुकी है. एंड यहाँ पर इनको ड्रॉप से अच्छा खासा लूट मिल जाएगा लेवल 3 का. एंड अगर लेवल 3 का लूट नहीं मिलता तो गन तो अच्छी खासी मिल ही सकती है अगर सेल्स की टीम उस ड्रॉप को लूट दिया तो. बट ड्रॉप लूटने आई थिंक यहाँ पर रिवेंज की टीम जा सकती है. एंड यहाँ पर ओमेगा को स्पॉट कर दिया है. ओमेगा भी बिल्कुल आज बाजू में आकर गाड़ी रोक दिया. ओमेगा यहाँ पर सबसे पहले बंदे होते हैं ड्रॉप करने वाले. एंड फिनिश ड्रॉप भी किया गया. लूजर को देखे तो लूजर यहाँ पर जो है AWM है इनके पास, कार 98 इनके पास. एंड देखते क्या होने वाला है. आर्टेमिस एंड बोप डोप बच है. ग्रेनेड पे ग्रेनेड, ग्रेनेड पे ग्रेनेड. एंड यहाँ पर आर्टेमिस का ग्रेनेड लगता हुआ, परफेक्ट के ऊपर परफेक्ट ग्रेनेड जाता हुआ. आर्टेमिस का एक और ग्रेनेड सोनिक फॉक्स के ऊपर. 7S के फाइनल बॉक्स यहाँ बॉस यहाँ पर आउट होते हुए, नॉकआउट होते हुए. एंड आई थिंक सो यहाँ पर रिवेंज की पूरी लाइनअप जो है, पूरी की पूरी स्क्वाड यहाँ पर इस गेम के बाहर हो गई है. अब गॉड्स की टीम यहाँ पर जा रही है सीधा का सीधा सेल्स की टीम के पास. मेजर अल्फा एंड गॉड्स मनु दोनों के दोनों बंदे सीधा का सीधा क्लोजिंग करते हुए. एश गेमर वहाँ से सीधा का घर के बाहर निकल आया. एंड यहाँ पर मेजर अल्फा को स्पॉट कर लिया कि नहीं कर लिया आइडिया तो नहीं है, बट यहाँ पर स्पॉट कर लेना चाहिए था. एंड अगर नहीं हुआ है तो देखते हैं क्या होने वाला है. एंड अभी हम लोग देखे तो वापस से यहाँ पर जो है सेल्स रॉक को देखे. सेल्स की टीम जो है पूरी की पूरी जोन के अंदर मेक इन करेगी, बट जोन के अंदर मेक इन करने से पहले उनको फेस करना होगा कंपटीशन टीम गॉड्स से. एंड बिकॉज जोन के अंदर जाना एक रास्ता वहीं से होकर जाता है. एंड यहाँ पर आधे बंदे आई थिंक सो यहाँ पर जोन के अंदर मेक इन कर लेंगे, बट यहाँ पर MYM की पूरी स्क्वाड जो है जोन के अंदर बिल्कुल भी नहीं है. आ चुके जोन के अंदर, पहले नहीं थी, अब जोन के अंदर आ चुके हैं. एंड अब देखते हैं क्या होने वाला है, बिकॉज अकेले बिली पत्थरों के बीच में आ चुके थे. एंड यहाँ पर IM की स्क्वाड बिल्कुल साइड में, RIP की स्क्वाड नीचे की तरफ है. मैक्स की टीम जो है टीम जिनोसाइड की टीम जो है बिल्कुल उनके पीछे की तरफ है. एंड यहाँ पर DP चलाते हुए जग्गा ओपी, जगह ओपी यहाँ पर DP चला रहे हैं इनके पास में. एंड देखते हैं क्या होता है. वापस से मैं क्लोक को देखूँ, क्लोक एंड बिलीव को, तो यहाँ पर क्लोक इनको स्पॉट करके बैठे. इनके पास में है ग्रोजा एंड ग्रोजा सप्रेसर के साथ में. सो RIP की स्क्वाड को खतरा हो सकता है इस ग्रोसा का. यहाँ पर जो है एंगल ही चेंज कर दिया है, इसी एंगल के साथ में अपने ऊपर के एंगल में चले गए थे. सो RIP की स्क्वाड को एक अलग ही नजरिए से देख पाए थे हम लोग. एंड मैक्स की टीम को देखे तो मैक्स की नहीं सॉरी टीम जिनोसाइड को देखो तो मैक्स एक्सप्लिसिट बिल्कुल इनके पीछे की ओर है. क्या यहाँ पर स्पॉट हो सकते हैं? RIP की स्क्वाड को देखे तो पीछे की तरफ से इनको केयरफुल रहना होगा. साइड की तरफ से ऑलरेडी टीम है, मतलब इनका सैंडविच होना तय है. अगर यहाँ पर टीम जिनोसाइड जो है थोड़ा सा अंदर क्लोज इन कर लेते हैं, फिलहाल जोन के अंदर जाना होगा. जोन के अंदर आने से पहले टीम INDI यहाँ पर इनका वेट कर रही है. यस टीम INDI है जोन के अंदर, इनको भी जाना है.
एंड यहाँ पर स्लेयर के पास है AWM, ट्रांस के पास है M4, स्नैक्स के पास है DP, एंड का 6x यहाँ पर टाक के बैठे हैं, XQF के पेन के पास, बिकॉज आई थिंक यस यहाँ पर शैक के अंदर बंदे को स्पॉट कर रहा है स्लेयर को। देखो तो स्लेयर यहाँ पर AWM का तगड़ा वाला हेडशॉट दे सकते हैं, अगर कोई भी इनके बुलेट के बीच में आया तो सीधा का सीधा नॉक होने ही वाला है, बिकॉज AWM है बाबू भैया। एंड यहाँ पर ट्रांस को देखें तो ट्रांस यहाँ पर जोन के अंदर क्लोज इन, ओके सो स्नैक्स यहाँ पर जोन के अंदर क्लोज इन करके जगह रोक लिया अपने लिए। एंड यहाँ पर सेल्स के एश लीमर को आई थिंक यहाँ पर स्पॉट कर लिया, गॉड्स के जो टीम है नीचे की ओर आ चुकी है। एंड यहाँ पर स्लाइडिंग मार के जाते हुए स्नैक्स को यहाँ पर केयरफुल रहना होगा, क्रेटोस जो यहाँ पर गाड़ी चलाकर आते हुए क्रेटोस को केयरफुल रहना होगा इस बात के लिए, बिकॉज यहाँ पर नीचे की ओर से सुक्रेटोस को नॉकआउट कर दिया गया। स्नैक्स यहाँ पर पीछे से गेम कर सकते हैं सभी का, अगर रुकते हैं तो गैस यहाँ पर मेजर अल्फा को स्पॉट करके फिनिश ऑफ कर दिया। सो स्नैक्स ने यहाँ पर बेहतरीन कवर फायर देते हुए गॉड्स की टीम से यहाँ पर गॉड्स मनु एंड नॉट मेजर अल्फा दोनों के दोनों बंदे टीम INDI की ओर से निकल जाते हैं। एंड यहाँ पर सेल्स की टीम को अब पता है कि नीचे की तरफ बंदे हैं, सोल स्पाइक ने यहाँ पर मैक्स के एक्सप्लिसिट को डाउन कर दिया। यहाँ पर हम लोग ओयो रूम के पास आए तो ओयो रूम वापस से चिपक रही है, ओयो रूम को जोन के अंदर आना होगा। एंड यहाँ पर ये तो भाई शेक के बाहर से ही शेक के अंदर बैठे बैठे ही हीलिंग गेम शुरू कर दिया अभी से। एंड वापस से मैं जाऊँ ऊपर की ओर तो यहाँ पर सेल्स की टीम के पास में तो सेल्स रॉक्स जो है यहाँ पर एक अलग ही एंगल लेके बैठे है। एंड सोल स्पाइक जो है यहाँ पर कौन सी स्क्वाड थी, दैट इज RIP की स्क्वाड। ये चिपक मत ना भाई। सो यहाँ पर INDI स्नैक्स नीचे की ओर है एंड ऊपर की तरफ जो है पूरी की पूरी सेल्स की टीम है। टीम INDI स्लेयर ने यहाँ पर TG के DD को नॉकआउट कर दिया विद दैट AWM का फटका। अब देखते हैं क्या होने वाला है, बिकॉज MG को है जोन के अंदर थोड़ा सा और जाना है। यहाँ पर ट्रांस ने एश गेमर को नॉकआउट किया था, बोप डोप ने यहाँ पर MYM लीव को पूरा का पूरा फिनिश ऑफ कर दिया। एंड यहाँ पर वापस से हम लोग देखे तो MYM की टीम यहाँ पर बच पाती है, यस यहाँ पर MYM की टीम अभी भी बची हुई है, फाइट चलती हुई MYM की टीम यहाँ पर जो है लेग स्टंप्स के ऊपर फाइट लेते हुए आर्टेमिस यहाँ पर अकेले बचे हैं। यहाँ पर जो है इमॉर्टल थोड़े से आगे की ओर चले गए, आई थिंक सैक्रिफाइस करना चाहेंगे। यहाँ पर बंदे जो है नीचे की ओर कूद रहे सारे के सारे, बट नीचे तो कुछ जाएंगे बट ऊपर की ओर आना इनका इम्पॉसिबल सा लग रहा है। ओके सो नाउ दे वोंट बी एंटरिंग फॉर श्योर, अगर आ जाती है तो अच्छी बात है, नहीं आती तो भाई इनका तो गेम हो ही गया। लेग्स स्टंप्स की टीम के लिए हम लोग वेट करेंगे, बिकॉज जिस एरिया पर है वो लोग इनका इस गेम के अंदर आ पाना थोड़ा सा इम्पॉसिबल टास्क है, फिर भी देखते हैं क्या यहाँ से एंगल बन रहा है ऊपर चढ़ने का, नहीं बनेगा। एंड यहाँ पर जो है जोन टाइम है शुरू हो चुका है, XQF पेन को देखा था, XQF पेन यहाँ पर RIP के बादशाह को नॉकआउट कर दिया है, प्ले जोन से यहाँ पर जगह ओपी जाते हुए MYM की स्क्वाड से नुकसान कारक गेम हो चुका है। एंड यहाँ पर XQF पेन आई थिंक सो RIP की स्क्वाड को पूरा का पूरा फिनिश ऑफ करते हैं। MYM की टीम यहाँ पर USG लेकर जाती है, गाड़ी फूट कर यहाँ पर पूरी पूरी स्क्वाड को उड़ा सकते हैं। एंड यहाँ पर जो RIP के स्क्वाड यहाँ पर गाड़ी फोड़ के उड़ा दिया, क्लोक को भी उड़ा MYM की पूरी स्क्वाड से, मॉडल अकेले बचे जोन के अंदर मेक इन करना है। इमॉर्टल को देखते तो इमॉर्टल यहाँ पर बिल इन बिटवीन द स्मोक्स यहाँ पर बिल्कुल सेंटर के बीच में खड़े हुए हैं। XQF के पेन यहाँ पर जहाँ पर भी फायरिंग दे रहे हैं, इनको आई थिंक कोई भी आइडिया नहीं है कि इमॉर्टल बिल्कुल बाजू में क्या यहाँ पर जो है भाई साहब। आई थिंक सो यहाँ पर टीम INDI के अगर कोई बंदे ने यहाँ पर हेडशॉट चलाया था, बट यहाँ पर डैमेज मिल गया प्ले जोन को। एंड XQF पेन को केयरफुल रहना होगा, बिकॉज इमॉर्टल भाई जो है बिल्कुल जोन के अंदर है एंड स्मोक के अंदर है। एंड XQF के पेन भाई जिस तरह यहाँ पर जो है गोलियां चला रहे हैं, इनको बिल्कुल भी आइडिया नहीं। एंड यहाँ पर RIP के स्क्वाड पास सारे MYM के इमॉर्टल को ग्रेनेड से फिनिश ऑफ कर दिया। XQF पेन को यहाँ पर बेहतरीन मूव मिल रहा था, बट यहाँ पर XQF पेन को भी ग्रेनेड से उड़ा दिया। सो RIP के स्क्वाड यहाँ पर बेहतरीन ग्रेनेड बैटल्स करते हुए अब देखता है सेल्स की टीम को, यहाँ पर बंदे इनके रिवाइव हो रहे हैं। एंड टीम INDI जो है अब सेफ है जोन के लिए, बट यहाँ पर जोन के अंदर यस यहाँ पर जोन के अंदर भी है ये लोग। RIP के स्क्वाड के बंदे को यहाँ पर स्पॉट कर लिया बादशाह को। एंड वापस देखा तो यहाँ पर रौनक जो है इनके सामने ग्रेनेड कुक किया जा रहा है, ग्रेनेड डाला जाएगा। एंड यहाँ पर ग्रेनेड अगर फूट गया ना तो यहाँ पर RIP के स्क्वाड को नुकसान हो सकता है, बट ग्रेनेड पहुंचना चाहिए उसके लिए। यस ग्रेनेड थोड़ा सा पहुंचा, बिल्कुल थोड़ा सा पहुंचा, ज्यादा नहीं पहुंचा, थोड़ा सा पहुंचा, ज्यादा पहुंचता तो मजा आ जाता। और वापस हम लोग देखे तो यार यहाँ पर गॉड्स व्यू लेकर तो सेल्स के दो बंदे बिल्कुल ऊपर की तरफ, बिल्कुल जोन के अंदर नहीं है बिल्कुल। एंड यहाँ पर देखो टीम INDI, देखो इनका बजट, देखो गाइस तीन तीन गाड़ियाँ, तीन तीन बंदे, हर एक बंदे की अलग अपनी अलग गाड़ियाँ। यहाँ पर जो है सेल्स की टीम यहाँ पर गैर बरसाती हुई विद दैट असॉल्ट राइफल। एंड यहाँ पर जो है रेड एंड MJ दोनों के दोनों बंदे यहाँ पर गेम करते हुए ST रौनक को यहाँ पर हेल्थ का डैमेज। एंड यहाँ पर टीम INDI थर्ड पार्टी कर सकती है इस गेम के साथ।
एंड सेल्ट रेड के ऊपर आई थिंक सो यहाँ पर प्ले जोन का हमला होने वाला है। यस यहाँ पर प्ले जोन से हमला हो जाएगा। टीम आयंड स्लेयर को देखे तो यहाँ पर जो है सेल्स रेड स्पॉट करके फिनिश ऑफ कर दिया। सो सेल्स की टीम पूरी की पूरी गेम के बाहर। दो टीमें आखिरी टीम आईएनडी एंड टीम आरआईबी स्क्वाड। यहाँ पर करण को देखे तो करण यहाँ पर जो है बंदे को रिवाइव करने के ट्राई करेंगे, बट यहाँ पर जो टीम आईएनडी गाड़ी निकल कर तीनों के तीनों बंदे आएंगे, खुद का कवर बना के जाएंगे। स्मोक डाला गया, क्या ये स्मोक असरकारक होता है? बिकॉज आई थिंक सो टीम आईएनडी कैन इजिली विन दिस गेम बिकॉज इनके पास गाड़ियों का कवर पहले तो बहुत सारा है एंड जोन पूरा का पूरा ओपन में। सो रेजेस की फाइट तो बिल्कुल इम्पॉसिबल सी लग रही है, बट देखते हैं फिर भी कुछ भी हो सकता है इस गेम में। यहाँ पर जो स्क्वाड बादशाह यहाँ पर जो गाड़ी फोड़ कर उड़ा देना चाहते थे, बट गाड़ी फोड़ कर कवर दे दिया है स्लेयर को। एंड वापस से करण को देखो तो करण यहाँ पर प्रोन गेम खेलते हुए, बादशाह बिल्कुल आगे की तरफ आगे पहुँच चुके। रौनक जो है थोड़े से लेफ्ट साइड चले गए, रोटेशन दे रहे हैं। अब देखते हैं टीम आईएनडी एंड आरआईबी की स्क्वाड के बीच में ये गेम कहाँ तक जाने वाला है। एंड यहाँ पर मौली बिल्कुल जाता हुआ सीधा का सीधा आईएनडी स्लेयर के बाजू में। एंड यहाँ पर स्लेयर जो है भाई साहब बचे जैसे तैसे, वरना अगर वो ग्रेनेड जो लगता तो भाई साहब बहुत ही मस्त वाला लगता है। एंड हेल्थ काफी जाती है, आरआईबी स्क्वाड के बादशाह को बिल्कुल की स्क्वाड करने की कोशिश की जा रही है। स्नैक्स को यहाँ पर डैमेज आता हुआ, स्नैक्स यहाँ पर नॉकआउट होते हुए पूरी की पूरी तरह से फिनिश ऑफ ठीक किया गया। ट्रांसिस लेयर दो बंदे आखिरी टीम आईएनडी से, आरआईबी के स्क्वाड को यहाँ पर नुकसान ऑलरेडी है एक बंदे का। डुओ वर्सेस डुओ सिचुएशन है अभी भी। जोन अब फाइनल बनता हुआ है। यहाँ पर जो है भाषा को नॉकआउट करते हैं, ट्रांस यहाँ पर चले गए आगे की तरफ। एंड यहाँ पर जो है आरआईबी की स्क्वाड की गेम खत्म कर दी है। एंड द विनर विनर सेकंड इनर इज टेकन बाय टीम आईएनडी एंड दे हैव कुल मिलाकर 9 किल्स। फिर आती है टीम आरआईबी स्क्वाड विद कुल मिलाकर 8 किल। फिर आती है सेल्स विद 5, टीम जिनोसाइड विद 2, एमवाईएम विद 5, टीम लेक्सटम्स विद 6, फिर आती है आई एम की टीम विद 4, गॉड्स की टीम विद 4, रिवेंज की टीम विद 1, एलिमेंट्स विद 0, एलक्राफ्ट विद कितने हैं भाई 5 किल्स। फिर आती है टीम आईएनएस विद 1, टीम पीएच पावर हाउस विद 0, टीम पीएसवी विद 2 एंड टीम सिनर्जी विद 0। तो यहाँ पर जो है एक शानदार फाइट, आई थिंक सो मैंने गेम क्रैश के चक्कर में मिस कर दी, वरना वो मजा आ जाता। चलो वरना अभी हम लोग एक और मैच की ओर गुस्से हैं एंड ये मैच खत्म हो चुकी है। सो अब थर्ड मैच की ओर हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए आप सभी लोग एंजॉय करना, हम लोग वापस से आते हैं आईडी पासवर्ड डाल के। तो रुको थोड़ा सा, है ना, रुको। तो सेकंड मैच खत्म हो चुका है, थर्ड मैच की ओर प्रस्थान करना चाहेंगे अगर हो रहा है तो। कंटिन्यू हो रहा है, यस यहाँ पर थर्ड मैच होने वाला है एंड 11:11 हो चुके हैं। ओ भाई साहब काफी लेट नाइट्स गेम हो रही है ये तो आज। एंड पबजी स्टार्टिंग में कि 2 घंटे से ऊपर हो चुका है, तो भाई गेम बंद कर, तो ये तो नहीं होने वाला। सो थर्ड मैच बस अब शुरू हो जाएगा, सैनहॉक का होने वाला है। सैनहॉक का मैप होने वाला है, यस सैनहॉक का मैप होने वाला है, लास्ट मैच है एंड इसके बाद स्ट्रीम खत्म कर दी जाएगी इस मैच के द्वारा। सो जितने बंदे देख रहे हो लाइक एंड सब्सक्राइब किए बिना कहीं मत जाना। तो बस अब शुरू करेंगे एक और मैच, लास्ट मैच अब